नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं कवीन। और संसद के केंद्रीय कक्ष में दो दिन के राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। अब से कुछ देर में वित्त मंत्री अरुण जेटली सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। सम्मेलन के समापन सत्र में आज उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का मुख्य संबोधन होगा, जबकि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन समापन भाषण देंगी। समापन सत्र के दौरान सम्मेलन कोर ग्रुप के सदस्य और सांसद ओम बिरला एक संकल्प भी पेश करेंगे। इससे पहले आज सम्मेलन को केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी संबोधित कर रहे हैं। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 8 राज्यों के स्पीकर भी भाग ले रहे हैं। और इस सम्मेलन के पहले दिन जी हां, राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में कल कई अहम मसलों पर बंद कमरे में बैठकों में विधायकों ने खुलकर मन की बात रखी। विधायकों का मानना था कि ऐसे सम्मेलन उनके लिए काफी उपयोगी हैं और उसके लिए एक मजबूत सांगठनिक तंत्र बनना चाहिए। राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान विकास प्रक्रिया में विधायकों की भूमिका और विकास में संसाधनों का बेहतर उपयोग विषय पर दो समानांतर सत्रों में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, प्रकाश जावड़ेकर और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपने विचार रखे। युवा सांसदों की राय में ये काफी अहम सम्मेलन है और इसका बहुत लाभ मिलेगा। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए काम करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों को विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोगी बताया। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों का फायदा देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में शनिवार को पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन शुरू हुआ। दो दिन तक चलने वाले सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। उन्होंने संसाधनों की बजाय सुशासन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी मुद्दा नहीं है, बल्कि सुशासन बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में प्रशासन के सभी स्तरों पर नेतृत्व को मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। एक डिस्ट्रिक्ट फला फूला है, बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन दूसरा डिस्ट्रिक्ट पीछे रह गया है। क्या सामाजिक न्याय की बात करने में हमारी ये बाध्यता नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट भी तो कम से कम बराबरी में तो आए? अगर एक डिस्ट्रिक्ट आगे गया है, उसी संसाधन मौजूद होने के बाद भी दूसरा पीछे रह गया है, मतलब संसाधन इश्यू नहीं है, शायद गवर्नेंस इज इश्यू, लीडरशिप इज इश्यू, कोऑर्डिनेशन इज इश्यू, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इज इश्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय का दायरा बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि बराबरी के लिए सभी जिलों का विकास जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछड़े जिलों का विकास सभी की जिम्मेदारी है और विकास पर असर डालने वाले कारणों की पहचान जरूरी है। आज वक्त बदला है, आप सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, जनता के काम आते हैं कि नहीं आते हैं, इस बात को जनता देखती है। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं दोस्तों, एक साल अगर एक साल हम कर लग जाए और ये अगर पैरामीटर बदल जाए तो आपके राज्य के पैरामीटर्स बदल जाएंगे, देश का चित्र बदल जाएगा। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि विकास योजनाओं का फायदा अंतिम व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। समाज का वो व्यक्ति जिसके लिए वो आवश्यक है उस तक कैसे पहुंचे, और इसके लिए कहीं ना कहीं सांसद और विधायक ये मिलकर जब सोचेंगे तो केंद्र हो या राज्य हो, वहां से निकली हुई योजना पूरे समाज में जाना चाहिए। और केवल पूरे समाज में नहीं, हमारे लिए भगवान वो अंतिम व्यक्ति है जो मंत्री है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 2022 तक देश को विकसित और सशक्त राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा जाए। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों पर विधानसभाओं में भी चर्चा पर जोर दिया। सम्मेलन में देश की विधानसभाओं और विधान परिषदों के करीब 200 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इनमें विकास प्रक्रिया में विधायकों की भूमिका और विकास में संसाधनों का बेहतर उपयोग पर चर्चा हो रही है। सम्मेलन की थीम विकास संकल्पित हम यानी वी फॉर डेवलपमेंट रखा गया है। अरविंद कुमार सिंह के साथ विनीत दीक्षित, राज्यसभा टीवी। सरकार ने 115 ऐसे जिलों की पहचान की है जो विकास की नजर में कमजोर है। इन जिलों में किन किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है उसकी पहचान कर संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में कल इसका खाका पेश किया गया।
दो दिन के सम्मेलन को कल कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने संबोधित किया। हमारे सभी साथी राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन को कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी संबोधित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने विकास के लिए मानव और प्राकृतिक संसाधन के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया। The development necessarily is possible because of two main resources. One is a human resource. Wherever you will find the people are competent, people are capable, they bring about development. And the second is natural resources. Wherever your natural resources, you can actually make that development possible. Whatever the resource available, we have to do it. And the people are expecting from legislators and parliament members, we have to do for the development of the constituency. That is the project. That is why we are discussing here. Honorable Speaker, given the opportunity, that sustained development goal, that is very, very important. सम्मेलन में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने देश के पिछड़े 115 जिलों के विकास योजना के बारे में जानकारी दी। ये लक्ष्य है कि अगर हमको इनको बदलना है, पूरे देश को एक आह्वान किया गया है कि देश को अगर 75 सालगिरह में एक नए भारत का निर्माण करें जो विकसित देशों की श्रेणी में हो, तो इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स, इन 115 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है और हम एक दूसरे से सीख कर मिल के आगे ले जा सकते हैं। सम्मेलन में 25 विधानसभाओं और 5 विधान परिषदों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सांसदों और विधायकों ने इस पहल की तारीफ की है। This is the first time that I have seen when the MLAs from the local areas have come and started interacting with the MPs and being treated on par is a great moral boost for them. कार्यशाला है तो उसमें जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से 12 विधायक आए हम समेत, तो सब हिस्सा लेंगे, अपना सुझाव देंगे, सजेशंस देंगे, परामर्श आएंगे, उस आधार पर आगे कोई रणनीति बनाई जाए। डिप्टी स्पीकर, रविवार को सम्मेलन के समापन सत्र को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और वित्त मंत्री अरुण जेटली संबोधित करेंगे। अरविंद कुमार सिंह के साथ पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंचे मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक ने कहा कि सुशासन के लिए नौकरशाहों को जवाबदेह होना पड़ेगा। हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने उनसे खास बातचीत की। ये लेजिस्लेटर की जो पहली बार यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन वगैरह तो होते रहते हैं जिसमें सदन संचालन कैसे हो इस पर चर्चा होती है। इस सम्मेलन में जो है आप लोग खासतौर पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको किस तरह का अनुभव देखने को मिला है? ये हम लोग के लिए एक नया तजुर्बा है और सबसे अच्छी बात यह है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग यहाँ, अलग अलग पृष्ठभूमि से सब लोग आए हैं और बीच में जो चर्चा सत्र हुआ है, कल दो सत्र थे हमारे, उसमें एक की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे नड्डा जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, दूसरे में थे जावड़ेकर जी। उन दोनों ने भी अपने अपने अनुभव कथन बताए और कुछ नीति आयोग की तरफ से व्यवस्था थी, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशंस दिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं और उनमें विधायकों के रूप में हम सब की क्या सहभागिता हो सकती है। तो हम लोगों ने भी चर्चा में भाग लिया, लखन पटेल जी ने भी बात की उसमें, गोपाल जी ने बात की, हमारे संगवीर सिंह जी उन्होंने भी बात की, मैंने भी अपनी बात रखी। मुद्दा उसमें यह निकल के आया कि सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंट करने वाली जो मशीनरी है वो सरकारी मशीनरी है और उनके काम करने का तरीका अपना है, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट जनता के संग हम जनप्रतिनिधियों का रहता है, यदि हम भी उस योजना के क्रियान्वयन में शामिल होते हैं तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये कुल मिला के निचोड़ एक लाइन का निकला। नौकरशाही का जो ये मौजूदा स्वरूप है, स्वरूप तो यही रहेगा, लेकिन क्या ऐसे अफसरों की तैनाती का मसला आया है या जो है जो और आप लोग जो है एक दूसरे से बातचीत किया है, कुछ और अनुभव मिले हैं? कल आपने यदि ध्यान दिया हो, मोदी जी ने जब अपना उद्घाटन भाषण दिया था तो उन्होंने एक बात बताई थी कि उनका अनुभव ये है कि जो अच्छे ज़िले काम कर रहे हैं उनके जो जिलाधिकारी कलेक्टर हैं उनकी एज, एवरेज एज बताई थी उन्होंने, और जो 115 पिछड़े ज़िले हैं जिसका मैं भी एक हिस्सेदार हूँ एक ज़िले का, तो उसमें मैंने पाया कि ये उन्होंने बताया कि बाकी ज़िलों में थोड़ा प्रमोटीज़ या अलग या अधिक उम्र वाले कलेक्टर हैं, तो ये भी हो सकता है एक कारण हो, मैं भी इसकी ज़रा गहराई से पड़ताल करूँगा। दूसरा जो उन्होंने बात कही कि इससे फ़र्क तो पड़ता है, तीसरी इसमें एक बात ये निकल के आई कि
शासकीय अधिकारियों का रवैया जो आपने कहा, मुझे ये लगता है इसमें कि सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी जनता के प्रति उतनी नहीं है जितना उनकी, मेरा ख्याल है, अपने बड़े अधिकारी के प्रति होगी। उनने जो आदेश दिया उसका अनुपालन उन्हें करना है, और हम जैसे जनप्रतिनिधि जिनके ऊपर 5 साल के बाद तलवार लटकी ही है, तो हमें 24 घंटे जागरूक रहना है, 24 घंटे जिम्मेदार रहना है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे हम पार्लियामेंट, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि इस सम्मेलन में नजर रखे हुए हैं। अरविंद जी, आज के जो कार्यक्रम, उससे अलग मैं कहूँ कि अब तक जो तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, और जाहिर है कि एक दूसरे जो विधायक हैं या सांसद, उनके अपने अनुभव हैं साझा हो रहे हैं, क्या कुछ जो बड़ी बातें हैं अब तक, मैं कहूँ कि पिछले एक दिन में जो निष्कर्ष के तौर पर सामने आती नज़र आ रही, जो बड़ी कमियां दिखती हैं 115 अगर मैं कहूँ कि ज़िलों में जहां पर विकसित नहीं है, पीछे हैं ऐसे इलाके, उनको बढ़ाने को लेकर, या कोई एक नया एजेंडा इस पर दिखता है? कवीन, जहां तक कमियां और उसकी सवाल है, तो ये पहला मौका दिया है स्पीकर, लोकसभा का जो इनिशिएटिव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मामले में। और मैं आपको बताऊं, जो विधायक हैं जिनसे हम लोगों की बातें हुई हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े इलाकों के हैं, उन्होंने पूरा का पूरा बहुत बारीकी के साथ जो है, जो केंद्रीय नेता हैं, मंत्री हैं, उनके सामने अपनी बातों को रखा कि किस तरह से एजुकेशन का जो मसला है, या जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनमें किस तरह का सुधार किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का सुधार किया जाए। तो कुल मिलाकर के उनका ये मानना था कि ये तो पहली बार उनको एक ऐसा मौका मिल रहा है जबकि नीति निर्धारकों के सामने बैठ करके वो अपनी पूरी बातों को कहने का एक तरह से उनको एक सुअवसर मिला है। और ज़्यादातर विधायकों का ये मानना है कि इस तरह के जो डिबेट्स हैं, इस तरह के खुली चर्चाएँ जो है वो उनकी होते रहना चाहिए, उसके लिए एक स्थायी तंत्र बनना चाहिए। कई विधायकों ने लोकसभा अध्यक्ष जी से ये रिक्वेस्ट किया है कि अलग अलग इलाकों में भी इस तरह का सम्मेलन हो। तो कुल मिलाकर के कवीन, अभी तक जितने भी डिलीवेशंस हुए हैं अलग अलग चरणों में, उसमें अब उसका आखिरी या विदाई सत्र जो है अब होने जा रहा है थोड़ी देर के भीतर, जिसमें जो है उपराष्ट्रपति जी और जो सभापति राज्यसभा है वेंकैया नायडू जी, वो उसको संबोधित करेंगे। और जो विधायक हैं, क्योंकि उनका अपना खुद ही वेंकैया जी का बहुत लंबा अनुभव रहा है, जो खासतौर पर संसदीय अनुभव रहा है, वो विधायक भी रहे, वो उच्च सदन के बहुत लंबे समय तक सदस्य रहे, ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे, बहुत सारे विभागों का तजुर्बा उनको है, तो वो बताएंगे कि किस तरह से विकास में जो विधायक हैं वो भागीदारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अरुण जेटली जी वित्त मंत्री हैं, वो बहुत सारे मसलों पर जो अपने विचार रखेंगे। तो कुल मिलाकर के कवीन, ये बहुत ही विधायकों के लिए और जो युवा विधायक हैं जो कई बड़ी संख्या में आए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तजुर्बा रहा है जो कवीन। और जिस तरीके से हमने सुना अरविंद जी, जो मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक जिनसे आपने बातचीत की, पाठक साहब, ऐसा लगता है कि फोकस जो है अब थोड़ा सा बदलाव की तरफ दिखता है, जहां पर योजनाओं को अमल में कैसे स्थानीय प्रशासन ला रहा है इसकी जिम्मेदारी, या फिर इससे जुड़ाव की बात हो रही है, कुछ इस तरह की बातें निकल रही हैं, जो डिस्कनेक्ट पहले था या उसकी तरफ उदासीनता दिखती थी। जी बिल्कुल कवीन, जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो पाठक जी से और उत्तर प्रदेश से विधायक हैं देवमणि द्विवेदी, जो कि खुद इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के अधिकारी रहे, इन सब लोगों से बातचीत हम लोगों ने की, और उनका ये कहना था कि जो जिला स्तर की जो नौकरशाही है उसको और इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, और जितने तरह की योजनाएँ हैं उसमें अगर जनप्रतिनिधियों को शामिल करेंगे, क्योंकि जनता की आकांक्षाएँ विकास के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और उसे निभाने के लिए जो है दबाव बहुत ज़्यादा बनता है जनप्रतिनिधियों पर, और वो सांसद और विधायक दो ऐसे हैं जिनको जनता घेरती है हर मुद्दों पर। तो उनका कहना था कि इनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री साहब ने जो कल संकेत दिया था कि ऐसे कर्मठ और सक्षम अधिकारियों की तैनाती भी इन जगहों पर होनी चाहिए जो बुनियादी मसलों को हल कर सके, और पिछड़े जिलों के प्रति उनका एक संवेदनशील रवैया होना चाहिए। जी अरविंद जी, संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की बात हो रही है, इस मसले पर क्या कुछ एक राय या फिर क्या अपने अनुभव सामने आए हैं? जी कवीन, जो बंद कमरे में जो दो बैठकें जो हुई, दो अलग अलग जगहों पर जो सत्र चले हैं, वो कुल मिलाकर के 8 सत्र चले हैं। उनमें एक तो ये था कि जो पहला जो प्लेनरी हुआ जिसमें वी फॉर डेवलपमेंट, उसके बाद जितने तरीके के ये हुए हैं उसमें संसाधनों का इस्तेमाल कैसे हो, और विकास प्रक्रिया में विधायकों को कैसे शामिल किया जाए, उनको जोड़ा कैसे जाए, उनकी भूमिकाओं को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इन दोनों को लेकर के जो चर्चाएं चली हैं उसमें विधायकों का ये मानना था
कि जहाँ संसाधन है वो टुकड़े टुकड़े में देने के बजाय एकमुश्त संसाधन देने की ज़रूरत है। और कईयों का ये कहना था कि संसाधन समस्या नहीं है, जो माइंड सेट है एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी एक समस्या है, वो दूर किया जाए। और विकास प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो उसकी आयोजना हो यानी प्लानिंग जो हो, आप कोई योजना बना रहे हैं उसमें जनता की भागीदारी हो तो जनप्रतिनिधि के तौर पर उनको ज़रूर उसमें शामिल किया जाए कि कोई अगर सड़क बन रही है, कोई स्कूल बन रहा है, कोई और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, उसमें वो शामिल हों, उसके प्रक्रिया से शुरू हो और उसकी जांच करें, वो उसकी क्वालिटी कैसी है उसके बारे में वो शामिल हों, और तब जा करके उसका उद्घाटन होना चाहिए। उनका कहना था कि जनता और जनप्रतिनिधि को शामिल करने से किसी भी चीज़ की गुणवत्ता ज़्यादा बेहतर होगी, और अगर जनप्रतिनिधि उसको वॉच करेगा, देखेगा, तो उसमें संसाधन जो है वो ज़्यादा किफ़ायती तरीके से इस्तेमाल हो सकेंगे। जी कविन, अरविंद जी आपका स्लॉट लूँगा, लेकिन आज इस सम्मेलन को संबोधित किया केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है, आपके पास दिमाग है, आपके पास विजन है, आपके पास आउट ऑफ बॉक्स विचार करने की ताकत है, तो पैसे वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, आप यू कैन मेक मिरेकल्स। मैं मेरे विभाग में अभी तक 8.5 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूँ। लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि वो फाइनेंस ज़्यादा समझते हैं, बोलते हैं इनका बजट 71,000 करोड़ का, 3 साल में मिलकर 2.5 करोड़, 8.5 लाख करोड़ कहाँ से लाया इसने। अच्छा, मैं भी ऊपर में बोलता हूँ, मेरी एक एक बार डायरी में लिख लेना, नहीं हुई तो मुझे सवाल पूछना, और जो बोलते हो सब हो रहे, रोड फटाफट हो रहे, पूरे हो रहे। तो लोग मुझे पूछते पैसा कहाँ से लाते हो। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 10 दिन पहले हमने हमारे 9 प्रोजेक्ट को मोनिटाइज किया और इसकी कीमत थी 6,000 करोड़, और वर्ल्ड कॉम्पिटिशन हुई। और आपको ताज्जुब होगा कि हमने जब प्रोजेक्ट में टेंडर खोला तो हमको 6,000 करोड़ के बजाय 10,000 करोड़ मिले, 10,000 करोड़। मैं हमारी कोचिंग शिप ऐड करके कंपनी है, उसके लिए पैसा खड़ा करना था, मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जा रहा था, मेरे सेक्रेटरी इनकम टैक्स कमिश्नर है, उनने कहा सर टुडे इज़ नॉट ए गुड डे, व्हाट द प्रॉब्लम, बोले इंडेक्स 300 पॉइंट नीचे गया। मतलब फिर क्या होगा, बोले आज अपना बॉन्ड कोई लेगा नहीं, आज नहीं जाएंगे, कैंसिल कर। बोले यार ऐसा नहीं है, एक बार जो हुआ सो हुआ, जाना है अपने को। मैं गया पर मैं डर गया था। जब स्टॉक एक्सचेंज गया तो सब नीचे मेरा स्वागत हुआ, और वो जो बुल था वहाँ उसके साथ मेरा फोटो निकाला, उसके सिंग पकड़ के, मेरे मन में संशय था कि ये बुल तो आज ठोकने वाला है हमको। मैं ऊपर गया और 10 बजे मैंने बेल बजाई, 10 बजे और 10 बजे बेल बजाई और 10:36 पर मुझे, हमें 1600 करोड़ चाहिए थे, हमें मिले 1,26,000 करोड़, 76 टाइम ओवर सब्सक्राइब। नितिन गडकरी आज दूसरे दिन वहां बता रहे थे अपने अनुभव। अरविंद जी, और जो पॉइंट उन्होंने कहा आज नितिन गडकरी ने, बहुत अहम है कि फाइनेंशियल जब दिक्कतों की बात आती है, आर्थिक जो फंड की बात आती है, उस लिहाज से स्थानीय स्तर पर भी कुछ नए आइडियाज़ या फिर उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उस तरफ सोचने की ज़रूरत है, या फिर सिर्फ जो सरकारी फंड है उसके सहारे एजेंसियां या तमाम जो सिस्टम है वो सिर्फ देखता रहता है। जी कविंद, एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि जो कल से डिलीवरेशंस हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री के बाद जो है नितिन गडकरी जी का ही ऐसा भाषण है जो उन्होंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन के निचोड़ के आधार पर ये बताया कि किस तरह से अगर जनप्रतिनिधि चाहें तो बगैर पैसे के भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है लोगों को जोड़ करके और उनको मोबिलाइज करके खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मसले उठाए और उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से अलग अलग इलाकों में पानी की समस्याएं खड़ी हो रही हैं और जिस तरह से बहुत सारी और चुनौतियां हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि थोड़ा भी एक्टिव हो जाए और विल पावर का इस्तेमाल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में करे तो निश्चित तौर पर एक तरह से एक अजीब एक नया परिवर्तन का एक नया दौर आ सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कवीन बहुत व्यवहारिक तरीके से उन्होंने जैसे पुणे और मुंबई का एक्सप्रेसवे जो बन रहा था उससे लेकर के, और उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं जो है यहाँ तक कि ब्रॉड गेज पर मेट्रो ट्रेन चलाने तक का जो उन्होंने उदाहरण दिया, तो गडकरी ने बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिए हैं और वो जनप्रतिनिधियों को बहुत पसंद आए। और मुझे लगता है कि जो रुख दिख रहा था हाउस का उसमें ये लग रहा है कि बहुत सारे जो विधायक हैं वो उनको अपने अपने इलाकों में लागू करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि जितने भी सत्र चले हैं उनमें जो बंद कमरों के सत्रों की बात छोड़ दें तो
तो गडकरी जी ने जितने तरीके की अपने जितने तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ हो सकते हैं उन्हें बहुत सारे दिए। उन्होंने कहा कि भाई गांव में तालाब हम बिना पैसे के खोद सकते हैं, उसकी मिट्टी हम अगर चाहेंगे तो वो सड़क के काम में आ सकती है, उसी तरह से जो है नहरों की नदियों की जो वो ड्रेजिंग हो सकती है, उसका जो बहुत सारा जो सामग्री है वो और जगह निर्माण कामों में आ सकता है। तो उन्होंने बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिए हैं कवीन। और इसी तरीके से जो है अभी आज जो सवेरे का जो सत्र शुरू हुआ, जो एक तरह से सत्रों की कड़ी में आखिरी सत्र था, तो एक तरह से समापन और विदाई सत्र होना है जिसको उपराष्ट्रपति जी संबोधित करेंगे और वित्त मंत्री जी करेंगे, तो उसके पहले के पूरे सत्रों में बहुत ही गहर विचार मंथन हुआ और जो नए विधायक खासतौर पर है उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये सत्र रहे हैं सारे के सारे, और सबका ये कहना था उन्हें बहुत सीखने का मौका मिला इससे। जी कविन, अरविंद जी एक और चीज़ जो दिख रही इन तमाम सत्रों के बाद खासतौर पर वो है सामंजस्य की स्कीम्स को लेकर, सेंटर स्टेट की स्कीम्स उनके क्रियान्वयन में सामंजस्य और उनका जो एक मैं कहूँ कि लक्ष्य है जहाँ तक पहुँचना है, उन दोनों में कई बार वो चीज़ नहीं दिखती जो कि स्कीम के अनाउंसमेंट के वक्त दिखती, यानी कि लागू करने के वक्त शायद थोड़ी दिशा में बदलाव, उसको सुधारने को लेकर किस तरह के सुझाव या कोई एक आमरा है वहाँ पर? नहीं, इसमें कवीन जी बहुत सारे मॉडल अलग अलग राज्यों के, चूँकि अलग अलग पूरा देश भर के चुनिंदा विधायक यहाँ शामिल हैं, उनमें से बहुत सारी सफलता की कहानी आई। जैसे केरल में जो स्कूल एजुकेशन है, प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनका एजुकेशन सिस्टम है, तो अलग अलग इलाकों में गांव ग्रामीण इलाकों में मंडियां कैसे सुधारी जाएं, उनके सबके सफल मॉडल हमारे देश के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। विधायकों ने आपस में एक तरह से उन्हें एक्सचेंज किया, और जो मॉडल है क्या है कि अभी जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें ये हैं कि कुछ इलाके हमारे जो विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं, वहाँ क्षेत्रीय असंतुलन है। तो आप ये पाएंगे कल पीएम साहब ने भी कहा था कि भाई बगल के घर में बिजली आ रही है और हमारे यहाँ नहीं आ रही है, बगल के गांव में अंधेरा है और हमारे यहाँ उजाला है, तो ये बातें हमें नहीं दिखती। वो एक सोशल जस्टिस का एक नई थ्योरी जो है वो दे रहे थे। तो मेरा अपना मानना है कि जो जिस तरह से चर्चाएं हुई हैं उसमें विकास की जो मौजूदा प्रक्रिया है, नौकरशाही के लेवल पर जिस तरह का माइंड सेट बना हुआ है, जिस तरह से एक एक परियोजना को जो एक साल के अंदर पूरी होनी चाहिए और 10-10 साल तक चलती है, उससे परियोजनाओं की लागत बढ़ती है, जनता का जो मतलब जीवन स्तर है उसको सुधारने में मदद नहीं मिलती है, ये सारी बातों पर बहुत गहनता से विचार विमर्श हुआ है कवीन। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि नीति आयोग के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी वो उन्होंने अलग अलग मोर्चों पर प्रेजेंटेशन दिया और तमाम विधायकों ने उनसे सवाल पूछा कि हम ये अगर करना चाहते हैं तो किस तरह से करें। तो कुल मिलाकर के ये और नीति निर्माताओं से जो है मंत्रियों से विधायकों ने पूछा कि हमारे यहाँ के इन मसलों में आप क्या हल कर सकते हैं, तो बहुत खुल करके मुझे लग रहा है कि जो आयोजना का जो मौजूदा स्वरूप है और परियोजनाओं के क्रियान्वयन का मौजूदा ढांचा है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत बनी है। और मुझे लगता है सरकार इस दिशा में अगर नए भारत का निर्माण करना है, निश्चित तौर पर इस दिशा में सरकार आगे काम करेगी और करना ही होगा उसे। जी जी अरविंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जनप्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत कर रहे प्रतिनिधियों ने कहा है कि सम्मेलन एक अच्छा प्रयास है और ऐसे सम्मेलन होते रहने चाहिए। It's a good starting interaction with the MLAs and the parliamentary system. So the MLAs can understand the parliamentary methods and how we can use the fund, available fund, for the maximum usage, optimum usage. That is the best option. So it is a very good starting. Well, it definitely is a good platform. It's a good initiative. And it is always a great learning experience to attend conferences. But what I think is we are all feeling good about it. This true worth of this conference will come out only when the ideas are implemented at the ground level. It is good to speak about things, but doing it, implementing it. For example, the women reservation bills, we've been talking about it for years. And after every conference, everyone says so many things, but at the end of the day, it's not implemented yet. So I think the true worth of this conference and the success of it will be when the farmer benefits, when the underprivileged benefit, when the disabled benefit, when the benefit of this conference reaches the grassroots level. That's the success of this conference. We have learned a lot. एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर साहब ने एकदम सेट कर दिया कि अब जनता विवाद और सड़क पर उतरना और धरना प्रदर्शन की राजनीति के बजाय
यह लाइक करती है कि आप डेवलपमेंट ओरिएंटेड आपका अप्रोच हो, और अगर आप जनता जनार्दन के हितों के लिए आप चाहे सड़कों पर जाते हैं, चाहे संसद में जाते हैं, चाहे खेतों में जाते हैं, चाहे खलिहानों में जाते हैं, लेकिन जब आपके दिमाग में हंगामा खड़ा करने के बजाय विकास को आगे करना है, विकास को फोकस करके बढ़ना है, तभी आपको जनता स्वीकार करेगी अन्यथा नकार देगी। अरविंद जी, जो एक आम राय दिख रही है वो ये है कि यहाँ पर जो कुछ सुझाव आ रहे हैं और जो पॉइंट आउट हो रहे हैं उनको ज़मीन पर उतारने की, अमल पर लाने की, अगर बदलाव चाहते हैं उस दिशा में क्या कुछ आगे का रोड मैप है? जी बिल्कुल कवीन, जो ये 8 सत्र हुए हैं अलग अलग, जिनको जो इन कैमरा रहा है, उनमें भी विधायकों से जब वो बाहर आए, हम लोगों ने बातचीत की, तो उनका कहना था कि बहुत सारी जो कमियां हैं आज, और जनता जन आकांक्षाएँ जो तेज़ हो रही हैं आज की तारीख में, एक बेहतर लाइफ चाहते हैं लोग, और विकास जो है वो वोट हासिल करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बन गया है, क्योंकि इसके बावजूद कि बहुत सारे कमियां भी मौजूद हैं हमारे जो पूरी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर, जो चुनावी प्रक्रिया है उसके अंदर, इसके बावजूद विकास आज की तारीख में सबसे बड़े एजेंडे के रूप में उभर रहा है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जो नौकरशाही के स्तर पर जब कोई योजना बनाई जाती है उसको क्रियान्वित करने तक में बहुत सारे हर्डल क्रिएट होते हैं अलग अलग लेवल पर। तो इनका ये कहना था कि विधायकों का ये कहना था कि अगर जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के अलग अलग स्तर पर अगर शामिल किया जाता है तो नौकरशाही के लेवल पर जो अड़चने आती है उसको रोकने में मदद मिलेगी। आम जनता की मदद से जो विधायक हैं वो उन योजनाओं की बेहतर निगरानी कर सकेंगे, और जो बहुत सारे योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है उसको भी रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि आज जो संचार के अत्याधुनिक उपकरण हो गए हैं, सोशल मीडिया है, उन सारी चीज़ों से लोग वैसे ही देख रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं को देख रहे हैं। तो उनका आग्रह ये था कि इन योजनाओं को एक समयबद्ध यानी एक टाइम बाउंड उसका इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित होना चाहिए, और बेहतर तरीके से कामकाज के लिए जो युवा और उत्साही बेहतर अधिकारियों की तैनाती होनी चाहिए। पिछड़े इलाकों में भागने से वो जाने से वो डरते हैं, उसी तरह ग्रामीण इलाकों में जाने से बहुत सारे जो अधिकारी जो हिचकते हैं उनको ले आकर के, और एक बेहतर कामकाज और खेतीबाड़ी पर एक बात कवीन जो मैं बताना एक तरह से जो मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामीण भारत को कैसे बदला जाए, विधायकों में इस बात को लेकर के बहुत सारी ललक, यहाँ उन्होंने बहुत सारे ऐसे मसलों को उठाया, गाँव के सड़कों को कैसे सुधारा जाए, वहाँ की मंडी व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, किसानों की स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, और उनका कहना था कि बहुत सारी चीज़ें कागज़ पर तो आती हैं लेकिन ज़मीन पर नहीं उतर पाती, बहुत सारे इलाकों में नाराज़गी इसी बात को लेकर के है, तो इनको दूर करने के लिए बहुत प्रभावशाली क्रियान्वयन का एक तंत्र बनाने की ज़रूरत है। जी कवीन, अरविंद जी, जो ये 2 दिन का मैं कहूँ कि सम्मेलन है, इसमें जो बड़ी बातें निकल रही हैं, इसको आगे कैसे ज़मीन पर उतारा जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है या फिर ये बातें सुझाव के तौर पर होंगी? देखिए कवीन, पहले भी जो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन वगैरह हुए हैं उसमें स्पीकर लोकसभा ने इस बीच में बहुत दिलचस्पी ली है, और उन्होंने जो है पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की भी प्रोसीडिंग जो है होती है, जो उसके बाद का जो जिस्ट है वो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी भी लिखती हैं, और मुझे लग रहा है इस सम्मेलन के बाद, क्योंकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं की है लेकिन ऐसी सूचना मिली है कि इस सम्मेलन के बाद वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इसकी पूरी जो पूरी कार्रवाई है उसको भेजेंगी, और उनसे कहेंगी कि विकास प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को और बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत है हमारी जो है संसद, और लोकसभा जो है चुने हुए प्रतिनिधियों का जो सबसे बड़ा मंच है। तो मुझे लगता है कि उनकी कही हुई बातों का निश्चित तौर पर कुछ महत्व जो है वो राज्यों से मिलेगा, क्योंकि देखिए कभी कुल मिला करके तो बातें कितनी भी हों लेकिन इम्प्लीमेंट तो ग्रास रूट लेवल पर राज्यों में ही होना है, और इसीलिए उन्होंने पहली बार ये विधायकों का जो सम्मेलन बुलाया है और उसमें इतना सारा गहन मंथन हुआ है, तो विधायकों का भी ये मानना है कि निश्चित तौर पर ये तस्वीर बदलने में अहम कारक बनेगा, और ख़ास तौर पर जो 2022 तक को एक कट ऑफ डेट मान के चल रहे हैं, जब हमारी आज़ादी की 75वीं सालगिरह जिस साल मनाई जा रही होगी, उनका कहना है कि इसमें जो है जनप्रतिनिधि किस तरह से भूमिका निभा करके एक नए भारत के निर्माण में भूमिका निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर बगैर ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित किए बगैर ये बदलाव नहीं आ सकता कभी जी, क्योंकि इससे पहले हमने सुना जो महिला सांसद थी उन्होंने कहा कि जब पिछली बार
महिला सम्मेलन हुआ था उस वक्त काफ़ी कुछ यहाँ पर बातें सामने निकल कर आईं, लेकिन लागू करने के मसले पर, उन्हें अमल में लाने को लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो क्या वो दोबारा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ नई गाइडलाइंस या यहाँ पर इसे अमल में लाने के लिए कोई विस्तृत एजेंडा दिखता है फ्यूचर का? बेशक कवीन जी, आपने देखा होगा कि जो अभी खासतौर पर जो है महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारे राज्यसभा में बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, और उस चर्चा में शामिल लगभग हर एक ने, यहाँ तक कि जो है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने भी ये कहा कि नहीं, महिला आरक्षण को लागू कराना हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसलों में राजनीति इस तरह से आड़े आती है कि वो एक हाउस में तो पास हो गया, दूसरे के एजेंडे में नहीं आ पाया है। तो मुझे लगता है कि उसका दबाव तो एक अलग तरफ बन रहा है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो ये जो सम्मेलन दोनों दिन का जो मंथन रहा है वो केंद्रित रहा है कि वी फॉर डेवलपमेंट, यानी पूरी विकास प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे के अनुभवों से एक दूसरों के अनुभवों को लाभ उठाते हुए, और किस तरीके से जो है नौकरशाही को साथ में लेकर के परियोजनाओं का अधिक समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है, ये सारे मसलों पर निश्चित तौर पर बहुत ही गहन मंथन हुआ है। और उसमें जो आपने जो बिंदु बताया है, निश्चित तौर पर ये सबके उसमें था कि ये ज़मीन पर कैसे ये सारी बातों को उतारा जाए, और उसके लिए चाहे नौकरशाही का माइंडसेट बदले, चाहे उनके जो है भूमिकाओं को बदला जाए, ये सारी बातें आई है और उम्मीद की जाती है कि निश्चित तौर पर बदलाव दिखेगा कवीन इसमें। और क्या जनप्रतिनिधि और नौकरशाही जो स्थानीय लेवल पर जिसे अमल में लाना है उसके बीच में कोई ब्रिज, कोई एक पुल बनाने के काम की बात भी हो रही है, जिस तरीके के सुझाव हैं, या फिर अभी सिर्फ ये ज़्यादा इस पर चर्चा है, या फिर दिखा है कि उनकी जो उपस्थिति है या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका वो रोल नहीं है जो वो चाहते हैं लोकल लेवल पर? नहीं, बिल्कुल उनका ये कहना था कि भाई ये जो है राज्य सरकार जो है उसमें वो उनका बहुत ज़्यादा बहुत सारे मसलों में उनकी कहीं कोई भूमिका नहीं है, और इसी नाते बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे नौकरशाहों से टकराव भी जो विधायकों का होता है वो इसके नाते होता है। तो उनका मानना है कि अगर वो भूमिका में शामिल होंगे, बहुत सारी चीज़ों के भूमिकाओं में अगर वो शामिल होते हैं तो एक तो उस तरह के टकराव नहीं होंगे, दूसरी चीज़ है कि वो सरकार को सुझाव दे सकेंगे कि यहाँ क्या कमियाँ हैं ग्रास रूट लेवल पर। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए बुंदेलखंड का कोई इलाका है, वहाँ अगर किसी योजना में थोड़े बहुत रद्दों बदल की ज़रूरत है तो नौकरशाही अगर अडिग है इसी बात पर कि नहीं, हमको तो जो आदेश दिया गया हम वैसे ही करेंगे, तो बेसिकली टकराव इन सारी बातों को लेकर के होता है। और ये इस लेवल पर अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ उन्होंने बहुत सारी योजनाओं में भारत सरकार को भी सुझाव दिया, जैसे आप मनरेगा की बात करें कवीन, तो मनरेगा में अलग अलग राज्यों के सुझाव के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बहुत सारे सुझाव को माना है, और उन्होंने अलग अलग इलाकों की स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर बहुत चीज़ों को क्रियान्वित किया है। तो उस तरह के लचीलेपन को बाकी जगहों पर भी लाया जा सकता है, किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, और जनता की भागीदारी से स्कूलों की दशा को सुधारा जा सकता है, हमारे जो चिकित्सालय हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसमें जो बातें आई हैं, जो नीति आयोग ने जो एक तरह से प्रेजेंटेशन दिया है, उसमें कई जगह से जो PPP के सहयोग से किस तरह से सफलता के मॉडल आए हैं, किस तरह के और मॉडल आए हैं, तो मुझे लगता है कि जो पिछड़े जिले हैं खासतौर पर कवीन जी, वहाँ पर एक नया मॉडल जरूर आएगा और बनेगा, उससे सीखा है विधायकों ने, और राज्य सरकारें भी मुझे लगता है कि जहाँ प्रभावी, क्योंकि विकास अब वोट लेने का एक बड़ा पैमाना बनने जा रहा, तो मुझे लग रहा है राज्य सरकारें अपना माइंडसेट बदलेंगी, मुझे लगता है। जी अरविंद जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम आइए एक बार सुनाते हैं दर्शकों को कि पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर क्या कहा था। एक डिस्ट्रिक्ट फला फूला है, बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन दूसरा डिस्ट्रिक्ट पीछे रह गया है। क्या सामाजिक न्याय की बात करने में हमारी ये बाध्यता नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट भी तो कम से कम बराबरी में तो आए? अगर एक डिस्ट्रिक्ट आगे गया है, उसी संसाधन मौजूद होने के बाद भी दूसरा पीछे रह गया है, मतलब संसाधन इश्यू नहीं है, शायद गवर्नेंस इज इश्यू, लीडरशिप इज इश्यू, कोऑर्डिनेशन इज इश्यू, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इज इश्यू। अफसरों ने और लोकल लीडरशिप ने एक मिशन मोड में लीडरशिप दी है, लोगों को जोड़ा है, आप देखिए देखते ही देखते बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। कोई एक जमाना था जब देश में हार्ड कोर पॉलिटिक्स, दिन रात पॉलिटिक्स, आंदोलन की राजनीति, बयान की राजनीति, संघर्ष की राजनीति, ये बहुत काम आती थी। आज वक्त बदला है, आप सत्ता में हैं या विपक्ष में,
जनता के काम आते हैं कि नहीं आते हैं, इस बात को जनता देखती है। इसको कोई राजनीतिक रंग न दिए बिना, उसका हुआ मेरा नहीं हुआ उस भाव को छोड़ करके, हम सब मिलकर के एक साल, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं दोस्तों, एक साल, अगर एक साल हम कर लग जाएं और ये अगर पैरामीटर बदल जाए तो आपके राज्य के पैरामीटर्स बदल जाएंगे, देश का चित्र बदल जाएगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया में हम 130, 131 नंबर पर खड़े हैं। आज विश्व में भारत के अगर जिस प्रकार का आशा अपेक्षाएं बनी हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की दृष्टि से उसको अगर हम अपना इंप्रूवमेंट करते हैं, और ये 115 डिस्ट्रिक्ट में इंप्रूवमेंट होगा तो देश का इंप्रूवमेंट अपने आप होने वाला है। राइट, सीधे रुख करते हैं सेंट्रल हॉल, पार्लियामेंट हाउस, और सुनते हैं ओम बिरला। और गरीब के जीवन और क्षेत्र के विकास के नए मापदंडों के अनुसार काम करने का काम करेंगे। मैं इस प्रस्ताव को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करके अपने जीवन के अंदर इस प्रस्ताव और संकल्प के माध्यम से परिवर्तन करने की दिशा तय करेंगे। मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव रख रहा हूँ। हम राष्ट्र निर्माण के कार्य और सबके सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। हम देश के नागरिकों को विकास योजनाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन, संसाधनों के उपयोग तथा योजनाओं के परिणामों के बारे में अधिक से अधिक अवगत कराएंगे। हम लोगों की भागीदारी विकास की नीतियों, योजनाओं, सुशासन तंत्र में सुनिश्चित करेंगे। हम सब ऐसे भारत का निर्माण करने का अथक प्रयास करेंगे जिसके कोई क्षेत्र और कोई वर्ग पीछे नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि संकल्प के माध्यम से हम नई परिवर्तन की दिशा लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I invite Honorable Member of Parliament, Srimati Meenakshi Lekhi ji, to second the motion. Honorable Vice President of India, Sri Venkaiah Naidu ji, Honorable Speaker ma'am, Honorable Finance Minister, my friends and colleagues, इस प्रतिनिधि सम्मेलन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, और आई रीड आउट द होल रेजोल्यूशन बिकॉज दिस रेजोल्यूशन हैज़ बीन मेड बाय एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड बाय कंसेंसस। द रेजोल्यूशन नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 10th-11th March 2018, रेजोल्यूशन इज वी द लेजिस्लेटर्स असेंबल्ड एट द नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम We for Development, held in New Delhi on 10th and 11th March 2018, do hereby commit ourselves to the task of nation building and strive to bring in inclusive and sustainable development, and to inform and sensitize citizens about the development programs, proactively monitor their implementation, delivery mechanisms, and utilization of resources to encourage people to actively participate in governance issues, development policies and programs, and affirm to work tirelessly to create a developed India where no religion and section is left behind. I second this resolution. Mitro, इस रेजोल्यूशन को बनाने में आप सबका पहले तो सहभागिता के लिए और इसमें काम करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जैसा कि कल से जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पहला वक्तव्य दिया, अमिताभ कांत जी जो कि नीति आयोग के बिहाफ पर उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी, तो एक विषय हम सबके सामने आता है जिससे हम सब लोग एक ही तरीके से प्रभावित हैं और पीड़ित भी हैं, कि जब देश के विकास की बात होती है, वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेवलपमेंट, देर आर एरियाज विच आर लेफ्ट बिहाइंड, एंड नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एरियाज विच आर लेफ्ट बिहाइंड। जो भी हम सब लोगों के क्षेत्र में, हम लोगों के क्षेत्र के बाहर देश को पीछे करने के लिए जो कुछ इलाके उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाए हैं 70 साल की आज़ादी के बाद, उन सब के लिए हम सब समर्पित हैं, और उसी समर्पण को आधार देने के लिए इस रेजोल्यूशन की परिकल्पना की गई है। और ऐसे रेजोल्यूशन के माध्यम से हम अपने विचारों को और अपने कार्यक्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि जहाँ पर हम लोगों के बीच में
भले ही कार्य क्षमता तो रही लेकिन कुछ इलाके जो हैं बराबरी की रफ्तार से नहीं बढ़ पाए और 125 ऐसे आकांक्षावान ज़िलों का जो है मानदंड हम सब के सामने रखा गया और बताया गया कि किस तरीके से हम सबको अपनी कार्य प्रणाली को सुधार कर क्रियान्वयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर क्रियान्वयन की दिशा में लेकर जाना है और चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो पढ़ाई का क्षेत्र हो कि जहाँ पर पढ़ाई की संख्या तो बढ़ी है लेकिन पढ़ने वाले लोग कम हुए हैं और जहाँ पर हेल्थ का विषय हो स्वास्थ्य का विषय हो या आर्थिक जो विकास है उसका विषय हो इन सब के लिए हमको मिलकर काम करना है और किसी भी राजनीति को राजनीतिक क्षेत्र के भीतर रखना है लेकिन जहाँ पर विकास की दर और जीडीपी से लेकर एचडीआई की बात होगी हम सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और पूरे प्रशासन को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। थैंक यू मीनाक्षी जी। I request you all to raise your hands to adopt the resolution now. Now the resolution is adopted. I thank all the delegates for adopting the resolution. Now I request Honorable Finance Minister to address the gathering. Adarniye Uprashtrapati ji, Adarniye Speaker Mahodaya, और मित्रों, सब तो पहले मैं लोकसभा की अध्यक्षा सुमित्रा ताई जी का और आप सबका अभिनंदन करता हूं, लोकसभा सचिवालय का भी, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया कि देश भर से चुने हुए विधायक और सांसद दो दिन के इस सम्मेलन में देश की संसदीय व्यवस्था में हम कहाँ खड़े हैं और विकास के मुद्दों की स्थिति क्या है इस पर चिंतन करने की दृष्टि से हम लोग आए। आप में से बहुत मित्रों की तरह मुझे भी काफी लंबा समय हो गया संसद में और इतने लंबे कार्यकाल के बाद कई बार मैं अपने आप स्वयं सोचता हूं कि किसी भी विधायक या सांसद की सबसे अधिक प्रतिष्ठा किस प्रश्न के ऊपर आधारित रहती है और मैं वो क्षेत्र में जो काम करता है वो अलग है। सदन के भीतर अगर किसी का भी मापदंड लेना पड़े तो सच में उसकी सबसे अधिक प्रतिष्ठा उसकी विश्वसनीयता उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर निर्भर करती है। अब उसकी क्रेडिबिलिटी का मापदंड क्या होगा, अंग्रेजी भाषा में एक शब्दावली है जिसे कहते हैं पीयर रिकॉग्निशन, कि आपके साथ रहने वाले लोग आपके सहयोगी जिनको आप अपने जैसा समझते हैं आपकी पार्टी के हो सकते हैं दूसरी दलों के हो सकते हैं आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहां के हो सकते हैं आपकी जो कार्य पद्धति है उनकी नजरों में उसकी प्रतिष्ठा क्या है। अगर वो उसको सम्मान देते हैं तो वो पीयर रिकॉग्निशन आपको मिलती है और शायद व्यक्ति के लिए संतुष्टिकरण का सबसे बड़ा कारण ये बन जाता है। और ये मान्यता कब मिलती है, वो मिलती है केवल अपने आचरण के आधार पर। मेरा अनुभव है पिछले 18-19 वर्षों का संसद में कि हम में से कई बार लोग विशेष रूप से टेलीविजन पे जैसी चर्चा होती है
सार्वजनिक बहस होती है तो संसद की बहस को भी लाकर हम जब व्यक्तियों पर प्रहार करते हैं तो कुछ छोटा वर्ग है जिसको आनंद आता होगा, लेकिन विश्व भर में संसदीय गरिमा का एक मूल आधार ये है, विषयों को लेकर जितना बड़ा आक्रमण आप कर सकते हैं कीजिए, यू कैन बी अग्रेसिव ऑन एनी सब्जेक्ट, डोंट बी अग्रेसिव ऑन पर्संस। जब हम व्यक्तियों के बीच विवादों में उलझ जाते हैं तो फिर जिसके साथ उलझते हैं उसके भी साथी सहयोगी होते हैं, वो हमें टोकते हैं, फिर हम भाषण आधा अधूरा खत्म करते हैं, आधा इंटरप्शन में रहता है। और इसलिए भाषण देते वक्त संसद में या विधानसभा में टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इश्यूज एंड नॉट ऑन पर्संस, मुझे लगता है कि इस गरिमा को भारत की संसदीय व्यवस्था में वापस लाने की बहुत आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता यह है जो कि एक राजनीति के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई है कि हर बात को बड़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा बना देना, उससे विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी बिगड़ती है। जो ओवर स्टेटमेंट है वो कभी वर्च्यू नहीं होता, ओवर स्टेटमेंट इज नेवर अ वर्च्यू। आपने बहुत बड़ा कह दिया और उसको सिद्ध ना कर पाए उससे भी विश्वसनीयता गिरती है। और तीसरा, आज के युग में, पहले तो जब आरंभ में केवल लाइब्रेरी यहां होती थी जाना पड़ता था लोगों को, अब तो बहुत बड़ी है और अब तो लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है इंटरनेट की सुविधा के बाद, कि इतना बड़ा खजाना हर विषय पर जानकारी का है उस सारी जानकारियों को लेकर उसमें से तर्क बना लेना और जो चार पांच विषय जिसपे बोलना है उस पर तर्क वाले हों केवल वही सामने रखना, केवल अंदाजे से ऐसी कुछ बात कह देना, सुनी सुनाई बात कह देना, वो भी संसदीय गरिमा के अनुकूल नहीं रहता। एक समस्या हमारी व्यवस्था में निश्चित रूप से आई है कि जब शोरगुल होता है तो मीडिया में बहुत कवरेज मिलती है, जब सीरियस बहस होती है, बहुत तैयारी की हो तो शायद एक आध लाइन मिल जाए। मुझे लगता है कि आज के तकनीकी युग में एक परिवर्तन आया है और वो परिवर्तन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इससे पिछली संसद में जब मैं स्वयं रूप से प्रतिपक्ष में था, विपक्ष में थे हम लोग, तो मैंने एक नियम बना लिया था कि जो भी लंबा भाषण दो मीडिया की मर्जी है, कुछ छापे ना छापे, अपनी फेसबुक के ऊपर उसके टॉकिंग पॉइंट्स जरूर निश्चित रूप से डाल दो। आपको जो फॉलो करते हैं, आपके क्षेत्र में जो लोग हैं, आपके राजनीतिक संगठन में जो लोग हैं, जो व्यक्तिगत रूप से आपके साथ जुड़े हुए हैं,
वो संख्या जब जुड़ती जाएगी तो एक बहुत बड़ी मात्रा में जिनको आप चाहोगे कि जो जाने की आपने क्या कहा है, और उससे स्वयं में सुधार करने का इसलिए अवसर मिलता है कि जब आप उसको लिख के डालते हो तो फिर बोलते समय भी ये ध्यान में रखते थे कि ऐसी चीज बोलो जो उस परमानेंट रिकॉर्ड में लिखी हुई खराब ना दिखे। तो शब्दावली कैसी हो, ईडियम्स कैसे हों, टर्न ऑफ फ्रेजेस कैसे हों, सेंटेंस फॉर्मुलेशन कैसा हो, व्यंग कैसा हो, भाषा और का चयन कैसा हो, ये सारा उसमें व्यक्तिगत रूप से देखना पड़ता था। दूसरा विषय जो विकास संबंधित मुद्दों का आप लोगों ने इस सम्मेलन में किया, मुझे लगता है कि एक बार देश में सभी सांसद, विधानसभा, विधान परिषद सदस्यों को देश की वित्तीय स्थिति क्या है और विकास का मार्ग क्या है इसकी असली जानकारी होनी चाहिए। जिन्होंने ये देश का संविधान बनाया था उन्होंने तीन लेयर, केंद्र, राज्य और नीचे नगर निगम, नगर पालिकाएं और पंचायतें, ये तय की थी। तीसरे लेयर का फाइनेंशियल अधिकार क्या होगा ये आज भी एक कठिनाई का विषय है। अब दोनों सरकारों के पास, केंद्र और राज्य के पास, साधन कैसे बटेंगे? सच में जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया था उन्होंने इसमें कोई भेदभाव करने का स्कोप नहीं छोड़ा। संविधान में उन्होंने कहा कि हर 5 वर्षों के लिए फाइनेंस कमीशन बना करेगा, वो संवैधानिक संस्था होगी, उसका निर्णय अवार्ड होगा जैसे अदालत कोर्ट का फैसला होता है, और फाइनेंस कमीशन तय करेगा। कुछ टैक्सेस हैं जैसे इनकम टैक्स है, केंद्र लगाता है, कुछ टैक्सेस राज्य लगाते थे, अब जीएसटी साझा हो गया तो आधा आधा बट गया। तो राज्य जो लगाएंगे वो राज्य के, यानी आधा जीएसटी और राज्यों के टैक्स राज्यों के, जो केंद्र के हिस्से का है उसमें से केंद्र कितना रखेगा और राज्य को कितना देगा, और इसमें कोई भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। पहले 26% 27% होता था, फिर 32% हुआ, पिछली बार अचानक उन्होंने 32 से 42% कर दिया। केंद्र के टैक्सेस का 42% राज्यों का, राज्यों के टैक्सेस राज्यों के। अब केंद्र के पास जो बचता है उसमें से राज्यों को कोई खर्चा, तो राज्यों के माध्यम से होता है, तो कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं। इसलिए हम समझ लें कि जो वित्तीय अधिकार हैं उसके ऊपर एक क्लियर डिवीजन है, और कोई अगर आपको संसद में या विधानसभा में किसी भी दल का हो ये कहे कि उस राज्य को ज्यादा मिल गया, मेरे राज्य को कम मिला, तो इसको प्रचार प्रोपोगेंडा मान लीजिए। किसी भी सरकार के पास अब ये अधिकार नहीं है, हर एक को 42% मिलना ही है। हाँ, केवल एक अपवाद है कि जो पूर्व उत्तर के और तीन पर्वतीय प्रांत हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, उनके संबंध में एक अलग व्यवस्था है क्योंकि उनके अपने साधन कम है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, आपने दिल्ली पूछा, और सौभाग्य से हमेशा रेवेन्यू सरप्लस रही है,
क्योंकि देश भर के रेवेन्यू का लाभ यहां रहता है। इस परिस्थिति में ये जो साधन है, अब इनका एक आदर्श दृष्टि से उपयोग कैसे हो। अब जहां तक केंद्र का प्रश्न है, केंद्र को देश की सुरक्षा के लिए खर्चना है, सैलरीज हैं, पेंशन्स हैं, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, डिफेंस परचेजेस हैं, जो पुराने ऋण लिए हुए हैं हर राज्य को और केंद्र को, वो ऋण वापस भी करने हैं, उसका ब्याज भी देना है, सर्विसिंग ऑफ डेट एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता है, और जो बचता है वो विकास कार्य में इस्तेमाल होता है, और केंद्र जो विकास कार्य में इस्तेमाल करता है वो राज्यों के थ्रू करता है। राज्यों के पास जो होता है वो अपने वेतन, पेंशन, ऋण वापसी, ये सब करने के बाद विकास कार्यों में करते हैं। और इसलिए हमें संसदीय व्यवस्था या विधानसभाओं की व्यवस्था का प्रयोग करना है। ये जो विकास कार्यों के लिए साधन बचते हैं, ये क्या एक दूसरे को सप्लीमेंट करें। मैं उदाहरण देता हूं। अब ग्रामीण विकास एक ऐसा विषय है जिस पे हर राज्य खर्चता है, केंद्र भी खर्चता है, स्वास्थ्य हेल्थ केयर सेंटर भी खर्चता है राज्य। अब केंद्र ने कहा हम भी एक योजना लाएंगे, राज्यों ने कहा हमारी अभी योजना होगी। अब हम उस तरफ की दिशा में चल रहे हैं फेडरल ढांचे की ओर, कि जहां एक विषय में तो कानून के माध्यम से केंद्र और राज्य इकट्ठा बैठ के तय करते हैं, जीएसटी काउंसिल वो एक स्टैट्यूटरी फोरम है जो कानून ने बनाया है, लेकिन ये जो अन्य विषय हैं, और मैं तीन चार विषय ऐसे बताता हूं, कृषि, स्वास्थ्य हेल्थ केयर, पावर्स यानी बिजली, शिक्षा, सामाजिक न्याय की दृष्टि में जितनी योजनाएं हैं, पेंशन्स की हैं, दूसरी हैं, अब ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें केंद्र राज्य दोनों साधन लगा रहे हैं। और हम ये कहें, कई बार उत्तेजना में आते हैं और कई बार स्वाभाविक रूप से ये मांग उठती है कि लोकप्रियता ये होगी कि ये चीज फ्री में कर दो, ये चीज चुनाव के पहले फ्री में कर दो। बहुत ज्यादा ये फ्री करने से आज तक कोई चुनाव जीते नहीं है लोगों ने, ये हम लोग स्वयं को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन इन दोनों साधनों को इकट्ठा करने से, टॉपिंग अप द रिसोर्सेज एंड द सेंटर एंड द स्टेट टुगेदर, मान लीजिए हेल्थ केयर में हो जाता है और केंद्र और राज्य जो अफोर्ड कर सकता है, केंद्र जितने राज्य कर सकते हैं जितने साधन, और कोई भी स्टेट नहीं चाहेगा कि मेरी स्टेट इसमें अपने नागरिकों को कम सुविधा दे, या ग्रामीण विकास, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन। अब इन सब क्षेत्रों में आज आवश्यकता यह है कि हम कई बार मांग करते हैं इसको बढ़ाओ। अब आपके राज्य का मुख्यमंत्री कहेगा मेरे पास साधन नहीं है, कहां से बढ़ाऊं, केंद्र कहेगा मेरे पास नहीं है, लेकिन इन दोनों के मिलाकर जो साधन हैं, मुझे लगता है कि अब हर सदन में इस चीज की चिंता की आवश्यकता है कि क्या हम, जैसे एक विषय में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है जो आगे बढ़ा है, क्या इन तीन चार क्षेत्रों में इस एक्सपेरिमेंट को संसदीय व्यवस्था के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, और आगे बढ़ा सकते हैं तो
तो विकास के जितने साधन इस देश में हैं राज्यों के पास और केंद्र के पास, उनका बहुत बड़ा संसदीय व्यवस्था के माध्यम से देश को और देश के नागरिकों को लाभ हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विषय के ऊपर आप सब कहीं ना कहीं अपने अपने सदनों के अंदर इस पर चिंतन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जेटली जी। नाउ इट इज़ माय प्रिविलेज टू इनवाइट ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज वैलिडिक्टरी एड्रेस। आदरणीय सभापति श्रीमती सुमित्रा ताई जी, केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली जी, देश भर से आए हुए संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य और बहनों और भाइयों, मैं सचमुच में बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। कारण क्या है, लोकसभा स्पीकर ने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर ऐसी एक सम्मेलन, एक गोष्ठी, एक कंसल्टेशन देश में शुरू किया है अलग अलग विषयों के ऊपर, और कल और आज दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर से विभिन्न विधानसभाओं से और पार्लियामेंट से भी काफ़ी संख्या में लोग आए, उसमें ज़्यादा से लोग यंगस्टर्स भी दिख रहे। इसलिए मैंने कहा शुरू में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मित्रों, मैं और कुछ बोलने के पहले एक विषय मुझे याद आ रहा है। इस देश में प्रमुख ज्येष्ठ राजनेता श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी ने हमको बचपन में कहा, आइडियोलॉजी से आइडियल बिहेवियर महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा उन्होंने। आइडियल बिहेवियर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडियोलॉजी। आदर्शवाद सिद्धांत से ज़्यादा आपका आचरण महत्वपूर्ण है। आई वॉन्ट टू टेल द सेम टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम एक्सपीरियंस नाउ। आई हैव बीन इन पार्लियामेंट, आई हैव बीन इन असेंबली, देन आई हैव बीन इन पब्लिक लाइफ फॉर नियरली 40 ईयर्स। This is very important for all of us. Whoever is in public life, be a MLA, be a MP or minister, or whatever functionary you are, you must conduct yourself in a better manner. The first and foremost thing, number one, samaj mein aapka acharan, your conduct in the society. Second, kshetra mein aapka vyavhar aur acharan, your conduct इन यूर कॉन्स्टिट्यूएंसी। थर्ड, सदन में आपका व्यवहार, सदन माने केवल पार्लियामेंट नहीं, असेंबली, काउंसिल या पार्लियामेंट में, दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बारे में कोई आपको मार्क्स दे, ग्रेडिंग दे, अखबार निके, इससे भी ज़्यादा मैं खुद मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मैं साधारण परिवार से आया हूँ, मेरा फैमिली में कोई पढ़े लिखे भी नहीं था, गाँव का आदमी हूं। फिर वहां से यहां तक पहुंचने में एक प्रिंसिपल मैंने बचपन में अपनाया, जो मुझे एक देशभक्ति संगठन के साथ संबंध आने के कारण से, हर एक दिन रात को सोने के पहले एक बार मैं खुद आत्मावलोकन करते थे, आज मैंने क्या किया, क्या सही है, क्या गलत है। वित्त मंत्री जी भी कहा, उसमें कुछ सुधारने का कुछ तरीका है क्या। व्हाट आर द मिस्टेक्स आई हैव कमिटेड, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स आई हैव कमिटेड, आर देयर बेटर थिंग्स टू डू व्हिच आई हैव मिस्ड। आई यूज्ड टू इंट्रोस्पेक्ट एवरी डे, दैट हैज रियली हेल्प्ड मी एंड दैट हैज ब्रॉट मी टू दिस प्लेस। सो माई फर्स्ट सजेशन इज दिस टू ऑल ऑफ यू, what Advani ji has said, being a senior most parliamentarian and senior politician in the country with ethics and also values. Second is the
Simple things. You may think, what is this? Are we students? The vice president is telling us like this. Get up early. Get ready early. Get yourself abreast with the latest happenings in the country. Read the newspapers fully. For information, I read newspapers, 18 newspapers a day. I am not suggesting or advocating, propagating for the newspapers. Read, because you know, you can't go by one newspaper. Aajkal newspapers bhi kaisa vyavhar kar rahe aapko maloom hai. Channels mein bhi kis tarah ka news aa raha hai, wo bhi maloom hai. Ek zamana tha, ek hi channel tha, Doordarshan, door se darshan karna, black and white dekhna. Abhi to itna channels aaya, making news, breaking news, good news, bad news, nahi to khud unka news. Ek dusre ke khilaf ka news. Isme to you have to study newspapers and also see the channels and then come to conclusion. And then you also must be available to the people at any time of their demand. You can't say, no, 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 I can't see you, these are my timings and all. Timings is good, but at the same time, you must be available. Now today it is demanding the new, it's an aspirational India, and people also are demanding now, 24/7 type ho gaya. Third one is simple living and high thinking. That is also required. By wearing a hat, boot, suit, coat, nobody is going to give you respect. When I became vice president, some media friends asked me, sir, what about the dress? I said, no change of dress, only change of address. That much I told them. From Abdul Kalam Road, I went to Maulan Ajad Road, that's all. Because that is not going to give you any name or fame. No, no, dress well. I am not against dressing anybody. But at the same time, as I told you, your conduct, simple living, easily accessibility, and then be always tour your constituency, maximum. Another reason for my success in public life, as I could understand, is I always used to go around the constituency, 212 villages. Every 3 months, I am there in village. One round. Spend time with them, talk to them, walk with them, greet them, eat with them, and sleep also there only in the village. Making night halt in public life is very important. This is more important for the rural representatives, I am telling you. I am telling you out of experience. This is not only experience as MLA or MP, MLA, MP, party general secretary, party state president, party national president, rural development minister, urban development minister. What I have understood is, if you spend time in the night, then you will get actual inside information. Otherwise, meeting, going to meeting, greeting people and talking and then walking out, who say, nyay nahi hoga. Make night halts. Then you will understand. And then, finally, you be regular, punctual to the house. It's an irony that out of 543 44 members sometimes, or the Rajya Sabha 245 plus. Sometimes you have to press the quorum bell. Same thing happens in some states also. This situation should never be allowed to come. No, ye sarkar ka zimmedar hai. Kuch log kehte hain vipaksh ka zimmedar hai. Wo sawal nahi. Sab ka zimmedar. It is our joint responsibility that we should be there in the house. And my own experience, I am again quoting you. I used to go to assembly at 8 o'clock in the morning and used to sit up to 1 o'clock because assembly timings were that. That gave me the knowledge. That gave me the confidence. One is moving around in the constituency. Second is sitting in the house throughout and hearing the other speeches. Hearing the other speeches, you get a lot of knowledge. And thirdly, visiting library, reading what has happened, what has been said by Sam Prasad Mukherjee, what has been said by Ram Manohar Lohia, what has been said by Nehruji, what has been said by Lal Bahadur Shastriji, great parliamentarians like Bhupesh Gupta, Atal Bihari Vajpayee, R. Prakash Veer Shastri, great parliamentarians are there. Great legislators may be there in your state also, very seniors. What they have said in what context, you read it, then your knowledge automatically becomes more. If you are not able to go to library, and then as you said, it's there now, everything is available now on WhatsApp, an iPad, that also you can do it. These are essential requisites of a politician, of a public representative. This is my first advice to you. The second one is, what matters is the character, caliber, capacity and conduct, four C's.
Character, caliber, capacity and conduct. But some people are trying to replace it by three C's. That is caste, community and cash. That can be never be a substitute. Please understand this. Temporary it may benefit you, temporary it may harm you. But at the end of the day, your character, your caliber, your capacity and your conduct, the contribution you make to the public life, that will help you, that will sustain you to make you a leader, to make a legislator, or to make an important responsible person. And then coming to the House, we must also, our conduct in the House also is equally important. As I am the chairman of the Rajya Sabha, the upper house, the country always looks to us. Guidance, school children, college students, legislative assemblies, they look to Parliament. So the Parliament also must conduct itself such a way, and assemblies also. But what is happening in assemblies and Parliament, sometimes it pains us. Sometimes I get disturbed, some disillusioned, but what is happening and all? When you see the scenes and all. One, our conduct in Parliament, our presence in Parliament, and thirdly, the governments of the day also must increase the number of the sittings of the Assembly and Parliament. They are dwindling. Dheere dheere bahut kam ho rahe. Ye desh ke liye achha nahi hai. Loktantra mein humne ye pranali ko humne swikar kiya, parliamentary democracy. The Parliament is the best forum to articulate the people's view, their sufferings, their aspirations, and also find out solutions and get legislations. And then that's why I say in simple terms, in Parliament, you have to do only two things. Either you talk out or walk out. No breakout. Otherwise, it will become all out. That is bad for the democracy. Bad for democracy. The Parliament or Assembly is not a place for physical fight. Wrenching the mic, throwing the paper, or upholding the shirt and saying, some people will say, come on. Come outside. Bahar walon ko jita ke andar bheja. Aap keh rahe bahar aa jao dekhenge. People are laughing at us. They don't tell you because you are MLA. You are an MP. And slowly, if these trends continue, people will lose confidence in the systems. Boycotting the assembly, not a healthy thing. Or completely suspending the opposition one time. For the rest of the session, not a good thing. I am not speaking, keeping in any state in mind. This is happening across the country. One good thing is across the country, I told the party leaders also the other day, every party has ruled the country, part of the alliance, are aspiring to rule the country. Every party is having some state or other under their control, aspiring to get control of other state and all. So we must see to it, what you have gained out of this experience of this many number of years. And then how do you strengthen these institutions that be the foremost and political parties? Because we are in a party system, political parties must apply their mind and see to it that the legislators, legislature and parliament, it functions effectively, it meets more regularly, and it meets for a longer period, and it have meaningful, constructive debates. That is the need of the hour. Friends, the people will say, sir, what is the way out if they are not hearing? You can't physically settle the issues in Parliament. And you can't settle the issues only through numbers all the time. That's why I said simple, the opposition must have its say. And the government must have its way. There is no other way. There is no other way. You want to propose something, let the government propose, let the opposition oppose, and let the house dispose. That is the parliamentary system. There is no other way. You can't dispose by breaking the mics or throwing away this thing and that thing and all. Though it is done by very few people, the message is the image of the legislature, the image of parliament, the image of parliamentarians is going down. And added to this, just now the finance minister mentioned, whatever you do constructively, the media unfortunately is not highlighting it. And whatever you do obstructively, that is being highlighted. And you are thinking, I am in the news. You are in the news for wrong reasons. One must understand this. I think Rajagopalachari once said, CR, great man, he said, if you are not well on the facts, then go to the well of the house.
He said it in a sarcastic manner. But I can tell you, all is not well that ends up in well. One has to understand this. We are there in Parliament to debate, to discuss, and then decide. This has to be kept in mind before we do anything else. Then, friends, the country is moving forward. But there are certain shortcomings even today. Undoubtedly, successive governments have done their best, different parties. But at the same time, even after 70 years of independence, 25% poverty, below poverty line, 25% illiteracy. And then, after 70 years of our independence, even now, discrimination against certain communities, untouchability. Even now, atrocities against women. And then, people demanding pass a registration, pass a new bill. The other day also, I said I want to repeat it again. Mere bill, without political will and administrative skill, will not serve the purpose. There is no dearth of bills. What is required is will. What is required is change of mindset in the society about giving equal respect to women. They are 50% of our population. Giving them reservation, yes, it is required, but reservation alone is not going to solve the problems. Reservation has to be given, it's high time. Some people say, sir, reservation diya panchayat mein, municipality mein kya ho rahe? Wahan panchayati sarpanch nahi aa rahe, sarpanch pati, panchayat pati baith rahe. इधर उधर हुआ होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ दिन मौका देके देखिए ना बाद में सरपंच पति का गति क्या होगा आपको समझ में आएगा यू हैव टू गिव एन अपॉर्चुनिटी गिवन एन अपॉर्चुनिटी दे विल आल्सो एक्सेल वी हैव द एग्जांपल ऑफ द स्पीकर वी हैव द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वी हैव द एग्जांपल ऑफ मेंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स वी हैव एग्जांपल्स ऑफ डिफेंस लॉट ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर सो वी हैव टू गिव देम Empowerment, economic empowerment, political empowerment also. But at the same time, coming back to the point is change of mindset. In change of mindset, we have a greater role. That's why when the Prime Minister wanted to launch this Swachh Bharat Abhiyan, at that time I was minister. So he told me, Venkaiya ji, isko rajnitik roop nahi dena, isko sarkari karyakram nahi banana. Mera man mein shanka tha, rajnitik roop nahi de rahe, phir sarkari karyakram nahi banana hai, to kya hai ye? उन्होंने कहा इसको एक जन आंदोलन का रूप दीजिए डोंट मेक इट ए पॉलिटिकल प्रोग्राम डोंट मेक इट ए गवर्नमेंट प्रोग्राम बट मेक इट ए पीपल्स मूवमेंट स्वच्छ भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर्यावरण परिरक्षणा पेड़ लगाना लिटरेसी दिस आर ऑल शुड बी मेड इनटू पीपल्स मूवमेंट देन ओनली दैट विल सक्सीड अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स पॉलिटिकल क्लास हैज मेड द पीपल टू थिंक दैट एवरीथिंग विल बी डन बाय द गवर्नमेंट सब काम सरकार करेगा हम बेकार बैठे तो चलेगा ये माइंड सेट आया ये माइंडसेट देश के हित में नहीं है पीपल शुड पार्टिसिपेट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव शुड मोटिवेट दिस पीपल टू ज्वाइन द प्रोग्राम देन ओनली दे विल बी एबल टू सक्सीड इन देयर मिशंस फ्रेंड्स द लेजिस्लेटर्स आर द कैटलिस्ट फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड टुडेज अर्ज इज पीपल हैव सीन कैपिटलिज्म पीपल हैव सीन कम्युनिज्म पीपल हैव सीन सोशलिज्म पीपल हैव सीन नेशनलिज्म Now people want, sir, whatever ism it is, let there be development. People want development, development, development. You go to any place, earlier people, they were not that much aware. I have seen myself, right, from my student days as political worker. But today people are asking, sir, what has been done to our constituency? What is done to me? That is a new thinking also. So keeping that in mind, development should be the focus. You know, whatever we do. Mere debate, mere scoring points alone is not going to suffice. Holding a big rally, mass rally, okay. These are a part of the political system. But at the end of the day, they will see this man has become MLA, this woman has become MP. What is it she has done to my constituency? What is it she has done in the parliament? What is it she has done in the public life? This is being watched closely by the people. And also, now as I told you, this electronic media has come. Now it's reaching every house. So people have an opportunity to see. So the catalyst for national development, the role of the legislators is number one. They are the catalyst for the role of development. That's why I'm happy that the speaker, madam, has chosen a good topic to motivate you, to make you to understand the aspiration of the country. Speaker has been focusing on sustainable development goals and sensitizing members about them.
We have so much development. We are having smart cities. We are having metro train. We are moving towards bullet trains also. We are now having 840 universities. Earlier there used to be only 20 universities, and now 840 universities. There are more than 40,000 colleges. I am not saying progress has not been made. Sustainable development, drinking water, sanitation, education, school, health facility in the rural area, growing urban rural divide, growing gulf between rich and poor. These are the important issues, challenges before us, along with poverty, along with economic disparities, as I told you. So we have to focus, okay, while being happy, feel proud of the achievements we have made so far, but at the same time, we have to look at the challenges and reach out. You may say growth, GDP growth rate has gone up to this percent. You may say this is the level, this is the colleges, I told you, no? Universities, 840 universities are there in the country. But people will think about themselves, about their needs. Unless you make people in partners in development, unless everybody feels that I have a stake in this system, in this GST, or in this demonetization, or this bill, or that bill, black money, this thing and all. People should feel that I have a stake in this. Mera bhi kuch hai. Isse kuch fayda hoga mujhe. Tabhi log aapko saath denge. Tabhi jo bhi karyakram aap de rahe na, wo safal honge. So what I suggest is people should be center for our developmental policies. And friends, we for development could not have been more apt if you wish to move faster on the path of development. Our legislators have to play an important role as agents of change. The last 16 general elections to the Lok Sabha and numerous elections to Rajya Sabha and state legislators have exhibited systematic evaluation and consolidation of the role of elected representatives in the national development. We should not forget that we have won this election for the people, and they are sovereign. They are our masters. We have to serve them. And again, we need to remind ourselves time and again that we are engaged in representing the people, making laws and holding the government accountable on their behalf, and are not performing any ordinary duty, but a salutary task towards making the country's democratic governance people-centric. The role of legislators in national development can be fully understood if we recognize two interrelated aspects of our parliamentary democracy. One, the centrality of legislature in the country's democratic setup, and the other, the accountability of the government to the people through the representatives of legislature. Accountability. You can demand answers. You can corner the government. You can expose the government, but with tact, with facts and figures. You must make such a voice without creating a noise, so that the government also is put in defense, and then you get your issues addressed. That's one important aspect. Then the legislatures are the core of our public governance system. In our democratic system, parliamentary democracy, we are the largest parliamentary democracy in the world. In the world, parliamentary democracy. And we have a beautiful record. We must try to improve that record by our conduct. So that's why the members therefore assume a very important role in discharging the varied functions of the legislature. You make laws, you scrutinize, and you the public policies, you approve the budget, you hold the government to account for its acts and omissions and commissions. This is the onerous responsibility. If the government task in a democracy is to promote public good, then you perform a seminal role by becoming a critical link between the people and the government. You represent the people, you know their concerns, and you have the opportunity to make the government take note of the problems faced by the people, be it panchayat, municipality, or state government, or central government. We have a three-tier system. We have to strengthen all these tiers of our system. We can legitimately be proud of the fact that ours is the largest democracy in the world, adopted universal suffrage even since our first general election 1952. We gave universal franchise. We gave voting rights to all, including women. Some countries gave it later. That is our past. And all our institutions, legislature, executive and judiciary, have been discharging their constitutional assigned duties
The legislatures, both at the state and the center, have been enacting progressive legislations. Successive governments have been implemented people-oriented programs. Judiciary has been interpreting the constitution and enforcing the rule of law as an independent organ. Civil society is strong and dynamic. Media is free and vibrant in India. Individuals enjoy the host of fundamental rights guaranteed by the constitution. Center and states are woven into a strong framework of cooperative federalism. The Prime Minister gave a call of cooperative federalism. And he also gave a call for Team India. Team India. India should work as team. Then only country will move forward. We are passing laws in central or passing law by assembly alone will not suffice. It has to be implemented. And there has to be combined. If without the development of Tamil Nadu, you cannot have country's development. Without development of Mizoram, you cannot have national development. Without development of the nation, you cannot have state development. It is interlinked that way. We have to think on those lines. And then the fundamental rights are guaranteed. But how they are guaranteed? If everyone follows the rule. So it is our responsibility as a rule maker to see and create awareness among the people that people respect the rules. Dr. Ambedkar said that if you wish to maintain democracy, not merely in form but also in fact, what we must do? He said, the first thing in my judgment, we must do it to hold fast to constitutional methods by achieving our social and economic objectives. That's what he has said. The second thing we must do is not to be content with mere political democracy. We must make our political democracy a social democracy as well. That is also equally important. Our public governance system has also been yielding some appreciable results since 1951. The life expectancy of the people at that time was 32 years. Now the literacy was merely 18%. Now we have traveled a long distance to have 68 years as the life expectancy, 74% of the literacy levels in 2011, and then infant mortality rate, education sector also, as I told you, it has increased number of universities from 20 to 864, and number of colleges from increased from just 519.50 to 40,026. Our economic growth rate also has registered more than twofold increase from the first decade after independence. So with having said all this, the challenges also are emerging. You have climate change, big challenge. We played with the nature, now nature is playing with us. We have successfully cut all the trees and now we are planting the trees. We have spoiled all the rural rivulets, the tanks, the water resources. And now again we are trying to recreate them also. These are the challenges before us. Climate change is a big challenge. Terrorism is a challenge. Though it's not our making, terrorism can never be a solution. Some people have fancies, sir, revolution and revolution. You have freedom now, your own government, state, center. You have the opportunity to elect a government, select a government, throw out a government. However powerful it may be, you have seen also. Ballot is more powerful than bullet. This has to be understood and we have to make the people also to understand and not to be carried away by certain extremist elements who are unnecessarily spoiling the development. If you have tension, there cannot be attention towards development. Peace is the prerequisite for progress. Without peace, there cannot be progress. These things should be understood by all and we should really impress upon the people about following the same. So friends, as I told you, today, India is on the move. The world is looking towards India. Once upon a time, India was known as Viswaguru. Students from abroad, they used to come here to Narendra, to Takshasala, other universities. Yuan Song and Pahian, great historians, wrote about the greatness of Indian civilization. Ours is one of the oldest civilization. There are other civilizations also which are old. Babylonian civilization, Roman civilization, Egypt civilization, Greek civilization. They are all there, but where are they today? Indian civilization is thriving hard because we believe in Vasudhaika Kutumbam. We believe in Sarve Jana Sukhina Bhavantu. But with certain aberrations coming here and there, certain things happening here and there, our image is getting affected. It is the role of the responsibility of the legislators of this party or that party to see that the society is properly educated and such things and such incidents are avoided. And people say, sir, the discussion also is going on about freedom of... Yes, freedom of expression is there. But freedom of expression also, Article 92, puts some responsibilities on you also. People are saying, I have my freedom, sir, I will do whatever I like. You can't do it. From parliament, if you go out and then say, sir, I am a free man, you want to go this side and she want to go that side, both of you take your vehicles, I have freedom, I will move like this. The other man say, I have freedom, I will move like this. Then both of you will meet there.
not here, repenting. So there is an amount of regulation, but the regulation should never be a strangulation. That also has to be understood. Democracy functions well if you respect others' rights. So this also has to be understood. So that's why, as I told you, best system in the world is parliamentary democracy. Bullet cannot bring the change, ballot only can bring the change. And the third one is, you need to have inclusive development, development for few, some smart cities, some high-rise buildings, some bullet trains alone will not suffice. You need to reach it to the nook and corner of the country. That connectivity revolution that has started by Sriman Atal Bihari Vajpayee, air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, rural connectivity, tele connectivity, television connectivity, port connectivity, that connectivity revolution has to be taken forward. Then only people will feel, mujhe bhi kuch hai, mera gaam tak bhi road aaya. Gramin Vikas Mantri ke roop mein, us samay mujhe wo gramin sadak yojana ka sanchalan karne ke dayatva mila. Mera jeevan mein atyant, atyant mahatvapurna kaam hoita us samay. Rural road. If there is no road, there is no connectivity, village will not develop. So we have to focus on reaching out the rural people. And then agriculture is facing challenges. We have to really find out some systematic changes for the agriculture. And then come out with new solutions, new ideas. We must have godowns, we must have rural storage, we must have cold storage, we must have refrigerator vans. We must also have enorm. All these things. Legislators have to focus more on such permanent solutions rather than going for populistic things. Minister was telling, finance minister was cautious, he was saying about free. Sometime back I asked him, you reduce this tax, you reduce that tax and all. Then he told me, Venkayaji, I will definitely, whatever you want, I will reduce. But you tell me, why should I increase? Because paisa utna hi hai unke paas. Wo paisa mein kisko dena, kisko kam karna, kisko jyada dena, wo dekhte. Aap log bhi batate. So we have to first create wealth. Then only we can distribute wealth. Without creating wealth, if you start distributing wealth, you will become pauper. This is what is happening in certain parts of the country. We have to create wealth. And we have to have public and private partnership. That is the model now. There is no other way. Public-private partnership, PPP model. But we have to monitor it in a better manner. But you have to target, Dindal Upadhyay said, Mahatma Gandhi has said, Babasaheb Ambedkar has said, Antyodaya, uplifting the poorest of the poor. Antima pankti mein jo baithe, yahan nahi, samaj mein. Unka uttan hona chahiye. Taking care of the suppressed, oppressed and depressed people. That should be the priority of the political system of the country, irrespective of parties. And we should also create oneness among the people of the country. I am also seeing certain vociferous tendencies. Nothing wrong. Love your mother tongue. Love your motherland. Love your mother. Love your school. Don't hate others. Love your religion. Practice your religion. But don't degrade others. Don't degrade others. This is also now causing here and there problems and diverting attention. Diverting attention. So we have to really think in terms of national integration. Atak se lekar Katak tak, Kanyakumari se lekar Kashmir tak, sari Bharat hamara hai. Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one, one nation, one people, one country. That should be the approach in our mind. We as the legislators, we can raise the regional issues, but we should not encourage parochialism against this state, against that state, burning that state buses, and then those people burning this state. This is not going to help us. After 70 years of independence, we have to be more mature in our responses. Friends, I will just give you, I have a habit of speaking frankly, and also some people sometimes caution me, sir, now you are vice president. There is a protocol and all. Of course, I know what is protocol. But point is, people should understand, na? Suppose there is some injury is there in the feet, in the finger, suddenly, for whatever reason it is. Then what mind thinks about, na? Head looks down, na? Then back bends, na? Hand goes down, na? Finger goes and touches there, na? Re, kya hua? Kya nahi hua? No, kahe to ye finger sochenge, re, mera nahi, na? Unka hai, na, kaam? Wo south ka hai, mujhe kya dena dena? Ye yahan se wahan tak, this is one body. Like that, Kashmir to Kanyakumari, India is one country, one entity. We have done that. So, Kanyakumari mein prakruti aapada aaya, Kashmir wale sochna chahiye. Kashmir mein samasya aaya, Kanyakumari wale sochna chahiye. Uska netrutva kisko karna? Aap log ko karna hai. Ami log ko karna hai. So that's why I'm saying, bhasha bhi hamara. Main hamesha bahut garv mehsoos karta matru bhasha. Maa. Matru bhasha, jo maa ka womb se aaya ho, matru bhasha, bahut badhiya hai.
मैं सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उस लोकसभा स्पीकर और हम आने वाले दिनों में धीरे धीरे हर एक व्यक्ति अपना मातृभाषा में सदन में बोले, वो व्यवस्था करने के लिए भी प्रयास करेंगे। कुछ मात्रा में तर्जुमा है, अभी ये तर्जुमा कुछ मात्रा में है, पहले नोटिस देना उसका तैयारी धीरे धीरे। कारण क्या है, मातृभाषा में आप अपना भावना अच्छा व्यक्त कर सकते हैं। भावना और भाषा एक साथ चलते हैं, भाषा संस्कृति में एक भाग है, हमारे संस्कृति में और कल्चर में। तो इसलिए माँ, जो माँ का वहाँ से आता है ना, अम्मा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु, अम्मा, अम्मा इज अम्मा, शी इज ऑल्सो रेस्पेक्टेबल, बट अम्मा मीन्स अवर मदर, अम्मी उर्दू में। और अम्मा कहना कितना अच्छा सुंदर लगता है, मम्मी कहना कितना अच्छा लगता है, आप देखो। अम्मा अंतराल से आता है, मम्मी यहाँ से आता है, भाषा में इतना फर्क है। मातृभाषा बहुत जरूरी है हर एक को, मगर दूसरी भाषा को हेट नहीं करना, विरोध नहीं करना, पहले अपना भाषा में पकड़ आना चाहिए। मातृभाषा इज लाइक योर आइस, तेलुगु तमिल कन्नडा मराठी मराठी मलयाली पंजाबी आसामी भोजपुरी जो भी हो उड़िया, वो आपका जो आंख है ना ऐसा है, दूसरी भाषा चश्मा जैसा है ना ऐसा। इफ यू हैव आई साइट देन यू हैव बेटर साइट इफ यू आर वेयरिंग दिस, अदरवाइज इवन इफ यू वेयर रेबॉन ग्लास ऑल्सो नथिंग गोइंग टू हैपन। सो कीप दिस इन माइंड, कीप दिस इन माइंड, बट एट द सेम टाइम भाषा अलग अलग भाषा, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। विविधता में एकता भारत का विशेषता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस लैंड विच आवर फोर फादर्स हैज गिवन टू अस। सो फ्रेंड्स, we have to keep in mind the national interest, we have to keep in mind in the regional interest, and we have to keep in mind the rural interest, and we have to keep in mind the urban interest, and we have to keep in mind overall interest, and then ant mein jab main rajneeti mein tha, abhi main rajneeti mein nahi hu, to isliye main kisi party ka vyakti nahi hu, all party or no party ka ho gaya aajkal, to main us samay batate the nation first party next सेल्फ लास्ट, दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ एवरीबडी। देश पहला, बाद में पार्टी, अंत में अपना, ये भावना होना चाहिए। तो इसलिए मित्रों, मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में हम सब लोग ज़्यादा विकास के ओर ध्यान दें। एज द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स यू टुडे, आई हैव बीन द मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट सम टाइम बैक, 36 एम्बेसडर्स केम टू मी एंड टोल्ड मी सर वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, 36 एम्बेसडर्स। वर्ल्ड इकॉनमी इज स्लोइंग डाउन, our powerful neighbor China also it is negative, but India is moving forward. World Bank, World Economic Forum, ADB, Modi ratings, not Moody ratings, Modi ratings, all are saying India is the place for investment. So we must create proper climate for investment, we must see that the investment is properly utilized, we must see that the progress reaches nook and corner of the people, the progress reaches all sections. Everybody should feel, yes, I am an Indian, I have got an equal right, ye bhavana aana chahiye. So this is possible by us, and focus should be more on development. Political debate should be there, let there be arguments also, I have no problem, argue, but at the same time, at the end of the day, people will see what is it he has got, what is it his area has got. That's how people will give you rate, people will give you that rating. Keep this in mind. So friends, MP ads are there in certain states, MLA ads are there, certain states central government schemes are there, state government schemes are there, you have to oversee the implementation, oversee the, not the manage implementation, that you are not the executor, you have to oversee the implementation, you have to participate in debate, you have to highlight the failures, you have to highlight the shortcomings, you have to keep in touch with the people on regular basis, so that you will be able to effectively highlight in the assembly or in parliament wherever you are, or in other public forums also. And at the same time, as I told you, the larger issues of the country, they should be taken as a people's programs. We should not be looking to them in a partisan manner. Partisan manner. In the recent past, 1 week of my Rajya Sabha is lost. I think Lok Sabha also session 1 week. Who is the loser? Who is the loser? Somebody opposition may think government is the loser. Government may be thinking proposition is the loser. It is the country, people who are the losers. How much money they have spent, how much confidence they have put on us in our system.
So this disruptions is not going to help us. I, through this forum, because this is not only happening here in Parliament, it's happening in different assemblies also. Governor's address, we are seeing what are the scenes that are... We have to add beauty to the system by doing our duty, then only can become mighty in the world. That has to be understood by one and all. इसलिए मैं चाहता हूँ लेजिस्लेटर्स अपना आचरण के बारे में और अपना व्यवहार के बारे में एक बार गंभीरता से सोचे, आत्मावलोकन करें. पॉलिटिकल पार्टीज भी जिस तरह का व्यक्तियों के यहाँ भेजना, जिस तरह का प्रतिनिधि को यहाँ तक पहुँचाना, उसके बारे में गंभीरता से सोचे. और महिलाओं को भी जल्द से जल्द आरक्षण दे, ये भी बहुत जरूरी है देश में और नीचे भी. और भाई सब लोग तालियां बजाना, केवल महिलाएं बजाएंगे क्या? सर्टन स्टेट 33% रिजर्वेशन लोकल बॉडी, सर्टन स्टेट्स 50%. दे आर ऑल्सो डूइंग गुड वर्क एज आई टोल्ड यू. वॉट इज द परसेंटेज आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट बिकॉज एज अ वाइस चेयरमैन आई कॉन्ट से एनीथिंग. एज अ चेयरमैन आई कॉन्ट से एनीथिंग. एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज लेफ्ट टू पोलिटिकल पार्टीज. लेट देर बी अर्ली कॉन्सेंसस इन प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर द वुमन. And at the same time, friends, as I told you, after this many years of independence, we have to introspect, and then vis-a-vis developmental indices. That's why sustainable developmental goals, that's the topic. Speaker was trying, even when I was the Minister for Parliamentary Affairs, she was insisting there should be discussion for sustainable developmental goals. Sustainable development is not a phrase, no? Sustainable developmental growth. Iske baare mein gambhirta se soch rahe the. देश के हित में वो जरूरी है. इंटरनेशनल फोरम में, इंडेसेस में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कितना है हमारा, ये भी दो लोग देखेंगे ना आने वाले दिनों में. इसलिए इस दिशा में हम सोचना चाहिए. समग्र विकास, संतुलन विकास, ये बहुत जरूरी है देश के लिए. इसलिए मित्रों, उस दिशा में हम लोग सोचें. मैं सोचता हूँ ये दोनों दिन का आपका जो दो दिवसीय जो सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन तभी सार्थक होगा जब हम लोग यहाँ जो सुना, जो सीखा, जिससे हम लोग सहमत आए, उसको ठीक तरफ से अमल करे, तभी यह सार्थक होगा. आई वंस अगेन से लेजिस्लेचर इज द सेंट्रल पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. लेजिस्लेचर इज द सेंट्रल पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. लेट अस नॉट वीकन इट. इफ द पिलर इज वीकेंड, द बिल्डिंग विल कोलैप्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. एंड देन लेजिस्लेचर्स आर मैंडेटेड विद द टास्क ऑफ कैटलाइजिंग द नेशन. दैट इज ऑल्सो अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. Oversight functions of the legislators relate to ensuring accountability of the government, not to interfere in individual works. That also has to be understood. Perception of the people, the chief patrons of parliamentary democracy about the legislature, is very important for the credibility and functioning of the important lawmaking bodies. For various reasons, the perceptions are gaining ground. The time for deliberations and number of legislations is steadily diminishing. Two, quality of debate and interventions is getting poorer. Third, disruption of proceedings have come to replace norm of deliberation. Fourth, members' attendance is thin as they are not present inside the house on number of occasions. Five, parliament functions only during the session period. That's a galat hai. Committees hai. Legislature mein bhi committees hai. Ye galat bhavana jo hai logon mein, usko dur karna chahiye. Legislature not inclusive and reproduced because there are only few women members. The constitution mandated legislature to make laws, executive to implement them, judiciary to interpret the laws. Fine balance has to be there. Let me recall the resolution adopted before I conclude. Let me recall the resolution adopted by the Parliament for the Golden Jubilee of Independence, 26th August, 1st September 1997. Please, gambhirta se thoda suniye. Us samay inhone kaha, they have set certain conditions and norms for preserving and enhancing the prestige by conscious and dignified conformity to the entire regime of rules and procedure, conduct of business of the house and direction of the presiding officers relating to orderly conduct of the business, maintaining the inviolability of the question hour. Important. Second, refraining from transgressing into the official area of the house or from shouting of slogans in the house. By shouting slogans, we came inside the house. Outside, even I also shouted slogans as a young worker. Reached here. I used to write on walls. I used to make announcement through mic. I remember, today I remember,
When Sriman Atal Bihari Vajpayee used to come to my place, I used to announce through mic, aaj shaam ko aam sabha hai, Sriman Atal Bihari Vajpayee ji yahan padharne wale hai, so bhai aap sab log shaam ko Cooperative Maidan mein aaiye, isko is aam sabha ko safal banaiye. Aisa mic announcement karne wale bachcha, ek din wahi Atal Bihari Vajpayee Advani ke beech mein baith ke, rashtriya party ka adhyaksh banenge, aisa maine kabhi kalpana bhi kiya nahi. That is the beauty of this Indian democracy. Slogan should be shouted outside, not inside. Placards, banners for outside, not inside. This is, has to be understood by all. The any effort to interrupt the address of the president or the governor is not going to help us. The rules are not for the speaker. Rules are not for the chairman. Rules are for all of us. That's why, and someone asked me, sir, House, how are you, what are you going to do? I said, my cooperation depends on their operation, otherwise there will be separation. So, friends, once again, I would like to compliment the Lok Sabha Speaker and also the Secretariat. And I also would like to compliment the young MPs and MLAs who have been made partners in this two-day summit. Speaker has really started a new practice of not only you people coming and then we people giving a lecture and then going away, made some of you also as part of the system so that they also can graduate, they also can understand the system and also develop themselves. A great opportunity has been provided by the speaker. I would like to compliment all the participants who have come from different parts of the country. Let us understand the need for a developmental path. Let us accelerate the development. Let us commit ourselves for the inclusive growth of the country. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Thank you, Naiduji, for your inspiring address. Now I request the speaker, Artai, for her closing remarks. Sabko namaskar. Abhi humne हमारे वेंकैया नायडू जी और उपराष्ट्रपति दोनों का भाषण सुना है यहाँ पर. माननीय उपराष्ट्रपति जी और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, आपने देखा होगा कल से आप सभी लोग यहाँ पर हैं और एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर आपसे बातचीत करने के लिए आ रहा है, मन से आ रहा है. बातचीत कहा मैंने, कोई भाषण नहीं, बातचीत. चाहते हैं कि आपसे संवाद करें. और इसलिए अभी हमारे माननीय जेटली जी भी जो आए थे, वास्तव में आज उन्हें जाना था, उनकी कोई मेडिकल ये करना थी. बीच में थोड़ा समय निकाल करके उन्होंने कहा नहीं, वापस जाना है हॉस्पिटल मुझे, लेकिन बीच में थोड़ा समय निकाल करके वो आपके लिए आए. दैट इज समथिंग. ये एक स्पिरिट है, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि हम इतनी सारी बात करेंगे, हम बात ये करेंगे कि संसाधनों को किस तरीके से ज़्यादा उपयोग करें, और संसाधन देने वाले जो आप हैं वो भी कभी बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा. और इसलिए हमारे माननीय अरुण जेटली जी, कल से जितने भी हमारे प्रमुख लोग, अलग अलग पार्टियों के प्रमुख भी जो हमें साथ दे रहे हैं, फिर हमारे कुछ ऐसे एक्स पार्लियामेंट मेंबर्स कि जिन्होंने कहा था कि हम केवल आईपीजी पार्लियामेंट्री ग्रुप में आने के लिए नहीं, हम चाहते हैं सक्रिय योगदान देना. और ऐसे हमारे, मैं सबके नाम इसलिए नहीं रही हूँ मगर बता रही हूँ कि जो आज की तारीख में पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं हैं, फिर भी इस पूरे कार्यक्रम के लिए सतत सक्रिय रहे, ऐसे हमारे और आईपीजी की पूरी कार्यकारिणी. हमारे कई ऐसे पार्लियामेंट मेंबर्स जिन्होंने रुचि भी दिखाई, जिन्होंने यहाँ काम किया, और आप सभी जो प्रतिनिधि विधानसभाओं से आए हैं, दो दिन में हमने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ जितनी भी हमने बात करी, क्योंकि माननीय वेंकैया जी ने जो कहा, मैं बार बार इसलिए, अब उन्होंने भाषण ही इस तरीके से दिया कि वो वेंकैया जी भी थे और हमारे उपराष्ट्रपति तो है ही है, तो जैसा उन्होंने कहा ये वास्तविकता है. सतत मेरे मन में वो बात रही
कि विकास की बात जैसे हमें करना है वो कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए। पहले भी हमने विकास की बात को अपनाया था, उसको हम कहते थे डेवलपमेंट गोल्स, उस समय भी थे, उसके अनुसार पॉलिसीज भी बनी, मगर बंद करके चलती रही, मगर ज़्यादा किसी तक पहुंची नहीं। एक सजगता, एक सक्रियता जो होना चाहिए, और इसलिए हमेशा मुझे लगा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेन करना है, टिका के रखना है, केवल डेवलपमेंट करना नहीं है। और इसलिए हमारी बातचीत कहीं ना कहीं सतत होती रहना चाहिए पार्लियामेंट में भी। और फिर सोचा, जो हमारे सदस्य है लेजिस्लेटर से विधानसभा के सदस्य, क्योंकि विकास पहुंचाना है, पहले दिन मैंने कहा, और इसलिए दो दिन से आप सभी लोग जो यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं, कल हमने जो वर्कशॉप किया, मैं भी प्रत्येक ग्रुप में गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो बताने आए थे नीति आयोग के सदस्य, उन्होंने भी रुचि लेकर के आपको जानकारी दी, और आपने भी उसको सुन करके अपनी समस्या भी बताई, मगर कुछ सवाल भी किए, पूछा भी, यानी रुचि दिखाई इन विषयों में। आप ये भी जानते हैं कि हमने सभी प्रकार से चर्चा करना है, कभी लगता है क्या केवल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि विकास ये चीज़ ऐसी है, जैसा होता है 60% हासिल करें तो लगता है 100% होना चाहिए, 100% हासिल करें तो लगता है अब ये टिकाए रखना। जैसे मैं, मेरे लिए बताऊं कि हमारा इंदौर नंबर 1 तो आ गया सफाई में, अब हमारी चिंता सतत रहती है ये नंबर 1 टिकाए कैसे रखे, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है। तो सस्टेनेबिलिटी जो है, और इस दृष्टि से आप सभी लोगों ने दो दिन से वास्तव में जिस तरीके से इसमें हिस्सा लिया, हमारे मंत्रीगण आके गए, नितिन गडकरी जी को आज आपने सुनाई होगा, जब उनको सुनते रहते हैं ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ इस व्यक्ति का दिमाग क्या है, कभी किसी बात को ना नहीं कहते, ये वास्तविकता है। हम सब ने लोकसभा में जब हम उनके प्रश्नोत्तरी होती है तब भी सबने अनुभव किया है, किसी को ना नहीं कहते, हर एक का समाधान करने की कोशिश करते रहते हैं। अभी उन्होंने वास्तविकता कही, मेरे यहाँ इंदौर मनमाड़ रेलवे के लिए, आप यूँ कह सकते हैं जिस दिन से मैं सांसद बनी हम प्रयास कर ही रहे, कही रहे, लड़ाई लड़ रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपन्स, क्योंकि उसमें इतना पैसा खर्च होना था, स्टेट का, सेंटर का, कैसे होगा, क्या होगा। उन्होंने आते से कहा चिंता मत करो, मैं कर दूंगा ना, मैं बराबर कर दूंगा, मैं स्टेट से भी बात करूंगा, आपसे भी बात करूंगा, सेंटर से भी लाऊंगा, और कहां से क्या करना है कर दूंगा, और ही स्टार्टेड वर्क। तो ऐसे नितिन गडकरी जी को आपने सुना, सुरेश प्रभु जी, वास्तव में एक अलग बात कि कैसे रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे हो, बाहर कैसे होता है, हम किस तरीके से करें, ये बहुत अच्छे तरीके से कल उन्होंने बता दिया। हमारे थंबीदुराई जी, आज उन्होंने कहा मुझे आज जाना है, मगर कल वो पूरा समय यहाँ पर, मैं बताऊँ इसकी एक विशेषता रही, हमारे जो अध्यक्ष आए वो भी, हमारे उपाध्यक्ष भी, हमारे राज्यसभा के हमारे जो डिप्टी चेयरमैन वो भी, बहुत चिंता कर रहे थे, उनको रहना था, मगर कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि उनको कल जाना ही पड़ा, मगर हर एक उस व्यक्ति ने चिंता करी। और ये सभी जिन लोगों ने वर्कशॉप्स लिए, कल मैंने देखा, आपने भी सबने अनुभव किया होगा, हमारे भर्तृहरि मेहताब जी, सुदीप बंदोपाध्याय कल भी पूरा समय यहाँ उपस्थित रहे, आज भी रहे। भर्तृहरि मेहताब जी तो गत 5-6 दिनों से कंटिन्यूअसली हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो संकल्प भी जो बनाया, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि किस तरीके से, किसका नाम आप लोगों का ना ले लूँगी, चिंता मत करो, अभी समापन नहीं हुआ, लेकिन एक एक व्यक्ति ने मेहनत करी है। तो गुलाम नबी आज़ाद जी हो, हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, कल्याण बैनर्जी, इनके प्रेमचंद्रन कल पूरा दिन हमारे साथ वो रहे वर्कशॉप में। मैं कुछ जानकारी हमारे उपराष्ट्रपति जी के लिए दोबारा बोल रही हूँ, इसको आप सब लोगों को तो मालूम ही है। और
अध्यक्षता भी की और कई बार चर्चा में हिस्सा लिया। एक बात आप सबने अनुभव की होगी, हमारे जो नीति आयोग के अमिताभ कांत जी और उनकी पूरी टीम कल पूरा समय उपस्थित रहे। कल उन्होंने जो यहाँ प्रेजेंटेशन दिया, कितनी, यानी आप सुनिए देखिए कितनी छोटी छोटी बात का वो विचार कर रहे हैं। और इसलिए जो लेजिस्लेटर्स ने भी जो इंटरेस्ट दिखाया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, उसका छोटा सा छोटा विचार भी यहाँ हो रहा है, जो कई बार हम लोगों के लिए भी जानकारी जैसा हो जाता है। और इसलिए ये पूरे सभी नीति आयोग के सदस्यों ने जिस तरीके से चित्र प्रस्तुत किया है तो ये भी वास्तव में सराहनीय, इनके सिवा ये कुछ होना नहीं। और इसलिए जिन भी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, अभी मैं आपको बताऊं कि ये लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे भी उद्देश्य वही था। लास्ट ईयर हमने महिलाओं की रखी, इस बार आप सबको बुला लिया, क्योंकि विकास होना है, सबको साथ में लिए नहीं हो सकता है। पैसा कितना भी कम हो ज़्यादा हो, लेकिन सबको साथ में ले करके विधानसभा के अंदर अपना व्यवहार, अभी बिल्कुल ठीक कहा हमारे उपराष्ट्रपति जी ने, और बाद में बाहर भी हम कैसा व्यवहार करते उससे बहुत बड़ी बात हो जाती। मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। ये इंदौर नंबर वन आने के पहले की बात है कि उस समय एक दिन मेरे ही मन में आई बात कि दीपावली के समय हम मंदिर जाते हैं, ना सुदीप जी, मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए, और लगा कि हम तो अच्छी साड़ी पहन के बिल्कुल ये करके मंदिर जाते हैं, मगर मेरे एक मंदिर के वहाँ मुझे लगा कि मुझे तो साड़ी ऊपर करके अंदर प्रवेश करना पड़ा, इतनी बाहर नाली बह रही थी, गंदगी थी। मैंने कहा तो मेरे मन में आया ये क्या बात है, और भी जगह ऐसा होता होगा, मंदिर में जाओ तो देखो हम ही कचरा करते हैं। मैं कई बार इस बात को बोलती भी हूँ कि हम ये हमारे वहाँ उसको फूल पूड़ी बोलते हैं, वो हम फूल वाले से लेते हैं छोटा सा हार, उसमें दो चार फूल रहते हैं, वो कागज में बांध के देता है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को फूल भी चढ़ाते हैं, और वो जो कागज है वो ऐसा ऐसा करके कहीं कोने में फेंक के आते हैं, हम ही कचरा करते हैं। तो मेरे मन में उस समय आया ये क्यों ऐसा होना, क्या हम अपने मंदिरों की सफाई नहीं कर सकते। मैंने एक छोटी सी बैठक बुलाई, एक सामाजिक संस्था को लेकर के बैठक बुलाई, उसमें कॉरपोरेटर्स भी आए और भी लोग आए। मैंने कहा क्या ये नहीं हो सकता कि दिवाली के एक दिन पहले हम अपने मंदिरों की सफाई करें, ताकि दिवाली के दिन हम जब दर्शन के लिए जाएं अच्छे खासे कपड़े पहन करके जाएंगे तो हमें भी अच्छा लगे, भगवान को भी हमें आशीर्वाद देने में अच्छा लगेगा। और वास्तव में आपको बताऊं यह कंसेप्ट ऐसा चला कि पहले साल कोई नेता नहीं, कोई किसी की नेतागिरी नहीं, कोई फोटो नहीं, और हमारे यहाँ पहले साल 100 मंदिरों की हमने दिवाली के एक दिन पहले सफाई करी, 100 मंदिर। दूसरे साल आपको बताऊं पहले से ही लोगों ने के मैसेजेस मुझे आना शुरू हो गए कि क्यों इस साल नहीं करना क्या। मैंने कहा नहीं करना है, मगर बात ऐसी चलती गई आपको बताऊं कि दूसरे साल ऐसा हो गया कि मुझे कुछ गिरजाघरों से फोन आए, अरे हम भी तो यहाँ रहते हैं, वो भी हमारा भी तो मंदिर है, हमें नहीं शामिल करोगी अपने अभियान में। फिर मस्जिदों से फोन आए, और आपको मैं बताऊं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मुझे नहीं करना पड़ा कुछ भी, लोग हो करके आए, और होते होते अब मेरे क्षेत्र में वो एक पद्धति बन गई। कोई नेता नहीं, हर कोई व्हाट्सएप पे अपने फोटो डालने लगा कि हमने इस मंदिर की ऐसी सफाई करी, हमने करी। मुझे केवल लोग अपेक्षा करते हैं कहीं कहीं तो आ जाओ, गत साल वहाँ गई थी देखने, इस साल हमारा मंदिर भी देखने आ जाओ, या हमारे यहाँ भी मस्जिद में हम कैसे करते देखने आ जाओ, इतनी कभी अपेक्षा होती है, मगर हमें कुछ नहीं। ये होता है लोगों का सहभाग, अगर जनप्रतिनिधि जुड़े तो दिस कैन बी डन। और इसलिए यहाँ आपने देखा होगा कल से जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं बहुत बधाई आप सबको देती हूँ। मैंने देखा रियली आप सबका इन्वॉल्वमेंट इतना अच्छा रहा कि जनकल्याण को लेकर के आप सभी संवेदनशील। और ये बात भी सही, बार बार मेरे मन में बात, मैं आज भी हमारे लोगों से चर्चा कर रही थी,
कि हमको ये जरूरी नहीं कि 24 घंटे पॉलिटिकल बन के रहे। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, चुनाव में चाहे जितना प्रचार करेंगे, चाहे जितना नाम भी रखेंगे, कल हो सकता है कि आज मैं बोल रही हूँ हमारे भर्तुहरी जी ने बहुत हमारा सहयोग किया, कहीं ऐसा न हो कल उनके खिलाफ मुझे चुनाव लड़ना पड़े तो चुनाव में देख लूँगी क्या कुछ बोलना उनके पार्टी के लिए, व्यक्तिगत नहीं, पार्टी के लिए हो सकता है, इट कैन बी, बट दैट इज़ ओनली फॉर दैट टाइम। हम जो दो दिन बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हैं, चुनाव चुनाव होता है, उस समय पार्टियों की तरफ से इलेक्शन लड़े, जनप्रतिनिधि बने, वो बात ठीक है, मगर जनप्रतिनिधि बनने के बाद जिन्होंने वोट दिया भी है, जिन्होंने नहीं भी दिया है, उन सभी के कल्याण के लिए मुझे काम करना है। और मुझे विश्वास है आप सभी ने इसी बात को लेकर के कल से हम सभी लोग बैठे हैं, बहुत संवेदनशीलता से आप सभी ने इसमें चर्चा में भाग लिया है। लेकिन एक बात ज़रूर है, हम सब अब इसकी आवश्यकता क्या है, लेजिस्लेटर आज एक बात और भी आई, इसको आगे बढ़ाना है, मन में कल्पना है, कल भी मैंने कहा कि महापौर को जोड़ सकते हैं क्या, सरपंचों को, आज हमने कुछ सोच भी रही थी, हमारे भर्तुहरी जी, सुदीप जी, बाकी कुछ दो चार लोग हम चर्चा कर रहे थे, और जैसी आपकी कल से भावना आ रही है इसको यहीं समापन मत करो, नहीं करेंगे इसको समापन नहीं करेंगे, और आगे तक कैसे ले जाएंगे, मगर आपके ही नेताओं से चर्चा करूंगी। और क्या हम कुछ, हम अध्यक्षों ने भी बिहार में बैठ के सोचा है, हरिभो आप जानते हैं, दिनेश भी यहाँ थे, आप जानते हो सब लोग, हमारे उत्तराखंड के भी अध्यक्ष है, कि हमने ये सोचा था कि जोनल लेवल तक कुछ जोन बना करके हम काम कर सकेंगे क्या, वी विल थिंक अबाउट इट, कि ऐसा कुछ करके ज़्यादा से ज़्यादा हम आपस में चर्चा करें विकास के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही, मैं हमेशा कुछ ना कुछ जो श्लोक बचपन से सिखाए ना वो यहाँ रखती हूँ, मुझे एक बार हमारी दादी ने एक बात सिखाई थी, जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा, आप भी समझ गए कि एक एक बूंद पड़ता रहे तो पूरी गागर भर जाती है, स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च, तो वही ऐसा ही होता है कि सबका नॉलेज, सबका तत्वज्ञान या सबका धन जो भी है, ये सब एकत्रित इस तरीके से आ जाए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर विकास संभव है, ऐसा मैं उसका अर्थ लेती हूँ, हमें उस तरीके से कहीं ना कहीं काम करना है। अभी दो दिन आपने सुखने व यहाँ पर चर्चाएं करी, सब कुछ किया, मगर उसके पीछे मैं भूलना नहीं, मुझे चाहिए हमारी जो महिला सांसद है सामने, यहाँ भी बैठी, सबके नाम नहीं लेती, हमारे SRI के राहुल देव जी है, मगर इससे भी ज़्यादा इनकी जो मेहनत महीनों से चल रही थी, एक महीने से भी ज़्यादा, प्रदीप गांधी जी है, भावना जी, ये सभी एक्स MPs है, फिर भी आ रहे थे, और मैं अगर हमारे ओम बिरला जी को भूलूं तो अच्छा नहीं लगेगा, लीडिंग रोल जैसे निभाया इन्होंने, मगर इसी के साथ साथ हमारा लोकसभा का पूरा स्टाफ, आपको बताती हूँ कि इतनी मेहनत, प्रदर्शनी लगानी थी, तीन दिन में वो प्रदर्शनी तैयार हो गई है, जो आपने सबने देखी होगी, वो जो प्रदर्शनी वहाँ लगी है कि किस प्रकार हमारा संविधान बना, क्या बना, हमारे कैसे कार्यक्रम चलते हैं, तीन दिन में उस पूरे स्टाफ ने वो प्रदर्शनी बनाई, उनको भी हमें बधाई एक बार देना चाहिए, आप बधाई दें उनको। बाकी जो हमारा लोकसभा का स्टाफ, आपके पास बुलेटिन भी पहुंचाता होगा, विवरण पहुंचाते हैं, अलग अलग रूप से ये सभी लोग काम कर रहे हैं, और हमारा जो लोकसभा स्टाफ, हमारी जो SG है स्नेहलता जी, इतनी मेहनत, और हमारे कौशिक जी, एडिशनल सेक्रेटरी कौशिक जी कहाँ बैठे, या अभी भी कई काम में लगे हुए हैं, यस ही इज देयर, और फिर हमारे सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के, सबका सबका एक एक चीज़ में सहयोग, मैं सबको नहीं खड़ा करूँगी, मगर इनकी टीम, हमारी लोकसभा TV की टीम, राज्यसभा TV की टीम, मगर एक बात और अगर मैं बोलूँ, ये सबकी मेहनत है,
हमारे लाइब्रेरी के लोग हो, हमारे रिसर्च वाले हो, इतने लगे रहते हैं। लोकसभा की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, बहुत संपन्न लाइब्रेरी है, मगर इसमें रिसर्च भी करते रहते लोग, और ये सभी पूरा स्टाफ, यहाँ तक मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो सजाया है आपने देखा होगा कितने सुंदर, हमेशा सजाते हैं, मगर इस बार कल ही हमारे ही सब लोग बोल रहे थे, पार्लियामेंट मेंबर ताई, ये विशेष रूप से इस बार सजावट लग रही है, दैट इज फॉर यू, कि उनके मन में भी जो उत्साह हुआ कि विशेष रूप से हम इसको कुछ सजाएं, तो ऐसे हमारा पूरा पूरा लोकसभा का स्टाफ, सभी मीडिया कर्मी, हमारे CPWD कहूँ, ये सभी ने जो एक मेहनत करी है, और ये मेहनत एक दिन की नहीं है, मैं बताना चाहूँगी विधानसभा के जो भी सदस्य आए हैं, ये एक दिन की मेहनत नहीं, महीने महीने से काम चल रहा है, आपको बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स आपको जो बैग में भर के हमने, वो बैग नहीं है केवल, उस बैग में पूरा ज्ञान भरा हुआ है, कई सारे पेपर जो इन लोगों ने मेहनत करके दिए हैं वो आपको साथ दिए, ताकि आप उसको थोड़ा पढ़े, थोड़ा देखे, और बाद में भी जैसे आप सूचनाएं भेजो। एक ही बात बताऊंगी, यहाँ बैठने का जो उद्देश्य था हमारा, दो दिन क्यों हम साथ में बैठे, क्या कारण था, हमारे उपराष्ट्रपति जी ने बहुत सही बात कही कि आखिर में हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा पॉलिटिकल कोई उद्देश्य अलग हो सकता है, मगर भारत के कल्याण की बात सबके दिमाग में एक ही है, वो विचार सबका एक ही है कि भारत का कल्याण हो, भारत के लोगों का कल्याण हो, सबको शिक्षा मिले, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, ये जो विचार है। और इसलिए आपने एक बात देखी होगी, मुझे मालूम नहीं आपको वो कैलेंडर दिया कि नहीं दिया है साथ में, नहीं हो तो दे सकते हो, हमने इस बार वो लोकसभा का कैलेंडर बनाया, आपने अगर लोकसभा में, ये विधायकों को कहूँगी, कभी घूम करके देखा हो तो बहुत सुंदर सुंदर वचन लिखे हुए हैं, ऋग्वेद के वचन हैं, कहीं और भाषाओं के वचन हैं, और बहुत सुंदर एक प्रकार से हमारे लोग, कल जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा ना कि बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे, जहाँ आप आज, और कल आपने जब फोटो अगर देखे होंगे संविधान सभा के, तो देखो कहीं आप कोई वल्लभ भाई पटेल की सीट पे तो नहीं बैठे हुए हो, और किसी को तो नहीं, कल्पना करो, तो उन्होंने जो दिए हैं और वो हम जो पढ़ते हैं, तो आज का हमारा जो उद्देश्य है, ये दो दिन की हमारी जो कार्य समिति कहो, सम्मेलन कहो, हमने विचार विमर्श किया, उसका अर्थ इतना ही है, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सहचित्तमेषां, ये हमारा होना चाहिए, समानम मंत्रम अभिमंत्र ये वो समानेन वो हविषा जुहोमि, समानीव आकृति ही समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा य सुहासु सहासति, ये हमारे विचार सबके एक समान हो, भारत के लिए, भारत के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए एक विचार से हम काम करें, ये उद्देश्य केवल इसका इतना ही है, और ये उद्देश्य अभी सफल होना है, हम आगे भी इसी प्रकार मिलते रहेंगे, कुछ कमियां रही होगी तो वो हमारी तरफ से है, मगर मुझे लगता है जब हम साथ में काम करते हैं तो सुदीप जी कमियां विमियां कोई आती नहीं है, साथ में चलती नहीं है, और थोड़ा सा समय आपका लिया होगा ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा, इतनी देर हमें सुनने की आदत भी आजकल हमारी कम हो गई, मगर जनप्रतिनिधि हो तो उसको सुनने की आदत ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि हम जब क्षेत्र में जाते हैं लोग हमें नहीं बोलने देते ज़्यादा, बोले तुम्हारा भाषण बाद में सुनेंगे, पहले हमारी सुनो, मेरा तो अनुभव ही, आपका भी होगा, है ना, कि तुम्हारी बाद में सुनेंगे, पहले हमारी बात सुनो, ये देखो इन बोलते हैं, तो यही है अनुभव है, मगर आपने सहयोग, सचमुच जो सहयोग दिया, पूरे स्टाफ ने दिया, पूरे मीडिया ने दिया, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, और पुनः मिलने के लिए आज हम सब विदा हूँ। थैंक यू सो मच ताई फॉर योर क्लोजिंग रिमार्क्स। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वैलिडिक्टरी सेशन। We now return to our respective areas of work, strengthened, equipped with a new understanding, new learning, new roadmap. राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन के दूसरे दिन, जिसके समापन भाषण हमने सुना लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का,
तो उनकी ओर से इनिशिएटिव लिया गया था, जो प्रयास था दो दिन का ये सम्मेलन जिसमें देश भर से विधानसभाओं के लोग, सांसद, जनप्रतिनिधि, इन सबको बुलाया गया था और कई सेशंस अलग अलग मसलों को लेकर, और फोकस था कि कैसे विकास में वो भागीदार बन सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अरविंद जी, और आखिर में आपका कमेंट मैं चाहूँगा कि ओवरऑल दो दिन का जो पूरा ये सम्मेलन रहा और कई सेशंस हुए, क्या बड़ी अहम बातें निकल कर आ रही हैं इस बार देखा जाए, और जैसा कि हमने अलग अलग जो वक्ता थे वहाँ पर उनको सुना। देखिए कवीन, जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें उभर के आई है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है उन्होंने ये कहा कि हम फिर मिलेंगे और इस तरह से विचार विमर्श का एक सिलसिला जारी रहेगा, जोनल लेवल पर मिलेंगे। और कवीन, एक अच्छी बात ये रही जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि लोकसभा अध्यक्ष ने इस सम्मेलन में जो है महत्वपूर्ण मतलब कामयाबी जो हुई है इस सम्मेलन में, उसमें उन्होंने राज्यसभा टीवी को भी खास तौर पर उन्होंने मेंशन किया है, जो सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा के हैं और पूरे स्टाफ और सबको भी उन्होंने मेंशन किया। तो कुल मिलाकर के ये जो दो दिनों का ये सम्मेलन हुआ है, ये विकास के मुद्दे पर जनप्रतिनिधि किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो आज जो उपराष्ट्रपति जी का, जो कि हमारे सभापति भी हैं राज्यसभा के, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन रहा है, और उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया ये बात कही कि महिला आरक्षण बिल जो है ये पास होने के साथ ही साथ उनका ये कहना था कि भाई जो हम अपने सार्वजनिक जीवन में हैं और हमारा आचरण सबसे महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के प्रति हम कितना अच्छा व्यवहार करें, ये सारी बातें जो है उन्होंने, और अपने पूरे चार दशक के जो पूरे राजनीतिक जीवन का निचोड़ उन्होंने रखा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही ग्रैंड सक्सेसफुल सम्मेलन कह सकते हैं कवीन, और ये इसका आने वाले समय में जो देश के विधानमंडल हैं, जो खुद संसद में, जो क्योंकि उपराष्ट्रपति जी का पूरा भाषण स्वतंत्रता की जो स्वर्ण जयंती पर जो जो एक हम संसद ने संकल्प लिया था वो उन्होंने खास तौर पर उल्लेखित किया और बताया कि जो है कि संसद सदनों का संचालन अच्छे तरीके से होना चाहिए, सभाओं के दिन ज़्यादा होने चाहिए, और लोग हमारी तरफ जो है ऐसे दौर में जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, फेसबुक से लेकर तमाम चीज़ों पर लोग देख रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आचरण में सुधार करते हुए बेहतर काम करने और विकास की तरफ प्रतिबद्ध होने की ज़रूरत है। जी, और साथ जी जी कुल मिलाकर के ये एक सफल आयोजन रहा जो है कवीन, जिसका असर आने वाले समय में पड़ेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहाँ से ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो दो दिन के इस सम्मेलन में विकास को लेकर कैसे भागीदारी बढ़े और जनप्रतिनिधि कैसे जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उसको अमल में, ज़मीन पर जो दिक्कतें हैं उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसको सुधारने की दिशा में और अमल में एक भागीदारी के तौर पर करें, और जनता को उसके जोड़ने की जो बात कही गई है, ये कई बड़े कंसर्न्स इस दो दिन के सम्मेलन निकले हैं। फिलहाल अभी इतना ही, नमस्कार।